हेलो एवरीवन, वेलकम टू बानिक स्मार्ट क्लास। आज जो एएसओ सेक्रेटेरिएट एग्जाम होता तापर आम देखा कि रिजनिंग रो को सेक्शन रू के क्वेश्चन आसला। जदि तुम मैंने बानिक सहित पूर्व आसोसीएट थी देन आम जो टेस्ट सीरीज चली देहर मैक्सिमम क्वेश्चन ही पचारि आ कि तो क्वेश्चन एमती भी अच्छी जोटा कि डायरेक्ट तुमको भी पेन पेपर भी यूज करने पड़बनि, डायरेक्ट ऑप्शन टिक मारिपर। आउ कि क्वेश्चन एमती थी जोटा कि रिलेटेड थिला टेस्ट सीरीज रु। इवेन आमर जो रेगुलर जो क्लास चली जो फंडामेंटल बेस तादर भी मैक्सिमम क्वेश्चन थिला। जदि तुम भलसे जदि मटेरियल पढ़ी थी देन सब क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पार। अराउंड के 50 क्वेश्चन अच्छे आम पाखे तो 50 रु 50 सॉल्व हम। क्लियर? तो चलत देखा तो सेटा तो डिपेंड कर तुम केते प्रैक्टिस करी से उपरे बामे बार बार क्लास रे कही सब बेले जो डिस्कशन भी होती आम एसओ पर भी कहुई कि पिला माने पढ़ंतु एटलिस्ट जो सेट रो जी क्वेश्चन अच्छे एटलिस्ट से करी जाइए एग्जाम को तो डेफिनेटली पेपर क्लीयर हे। रिजनिंग तो बहुत ही बढ़िया हो पा मानकर बिकज अफ क्वेश्चन नॉर्मल लेवल अच्छी प्रीवियस ईयर एग्जाम जो लेवल था सही लेवल अच्छी जमीक आशा कराला कि मे बी कंपिटिशन एथर हाई अच्छी मैक्सिमम पिला अप्लाई कर तो क्वेश्चन लेवल हाई नॉर्मल ही थिला क्वेश्चन लेवल प्रीवियस ईयर जमी थिला ए वर्ष भी सेम ही रही। तो क्लियर? मैं आशा करूँ कि सब पिला माने भल करी आसी थी। तो चलत टाइम वेस्ट न करी आम जीवा वन बाय वन सेट ए डिस्कशन अच्छी। ओके, तुम ऑलरेडी सरी जीएस पार्ट सरी ऑलरेडी सेट ए रो देन आम आसी क्या पाखक रिजनिंग पाखक आसीज। तो आसत क्वेश्चन नंबर वन को सेट ए ऑलरेडी जीएस पार्ट सरी तो आम रिजनिंग को आसवा मैथ हम कंटिन्यूसली एमती चलो। तो से फर्स्ट क्वेश्चन देखी ना तो कौन दे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड इन द ऑर्डर इन व्हिच दे अपीयर इन द टेलीफोन डायरेक्टरी। ओके, ये क्वेश्चन यदि तुम देखी थो दैट मीन टेलीफोन डायरेक्टरी मीन इट्स कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने कौन बा डिक्शनरी वर्ड अनुसार अरेंज करने से कौन। तो एको आम केमती नहीं जापर ए दीटा ऑप्शन अच्छे आम पाखे अदरवाइज आम समस्त को फास्ट चेक करवा या सेकेंड वाइज आम ऑप्शन वाइज पढ़ा तो बेस्ट हूँ ऑप्शन वाइज जी बिकज अफ कहीं देख तो फर्स्ट समस्त पाखे मोर आई भी अच्छी देन कनफर्म मोर फर्स्ट आई भी डेफिनेटली आसो। क्लीयर? एवं आम चेक करवा क्या पाखे देखी नंतु दीटा ऑप्शन मो पाखे डबल आई अच्छी आउ दीटा ऑप्शन मो पाखे भी अच्छी ट्रिपल आई अच्छी। तो आम आई को प्रायोरीटी देदे कहीं आई मैक्सिमम टाइम अच्छी तो आई को देखी निम तो आई भी सरी छाड़ी दिंतु एवं नहीं जावा आई सहित तो कंपेरिजन कैदे बाकी दीटा को देन आम एनसर बाहरी जीव देन आई आसी दिंतु के आर आई एस एच लिखाई देन ये अच्छी ए देन एपटे अच्छी के आर आई एस एच एन अच्छी के आर आई एस एच एन अच्छी डेफिनेटली एक नंबर ही आसो ताने आई आसीगला या पाखे तमें ये दीटा ऑप्शन ऑलरेडी आम ब्रेक करदे ये दीटा ही ऑप्शन रु आम एनसर आस इन द नेक्स्ट प्रायोरिटी दीटा कमन अच्छा तो चेक करा दरकार नहीं देन आसवा आम भि आउ का पाखक ट्रिपल आई पाखक आसवा भि आउ ट्रिपल आई पाखक जी कंपेरिजन जी करुच्छे देन कौ पार्टा आपंकर आसवा आगे देखी ना भि आउ ट्रिपल आई एपटे देखी ना एच ए अच्छी आम पाखे एपटे अच्छी के देखी ना एच एन अच्छी आम पाखे एटी भी एन अच्छी एटी एन अच्छी एटी एम अच्छी एटी एम अच्छी सरी एटी ए अच्छी तो फर्स्ट किए आस तो ए आस तमें आसीगला डबल आई भी तो एनसर आसीज आपर ऑप्शन ए आसो। क्लीयर अच्छी? कन्फर्म? तो चलत नेक्स्ट वन को जीवा तो क्वेश्चन नंबर टू आसत क्वेश्चन नंबर टू रे इन द सर्टेन को लांगुएज वी आई आर टी यू इज कोडेड एज के 210 इज कोडेड एज के सरी 21 201 देन से पचार देन अगेन भी आउट देई छी टी आर ए जी ई डी वाई इज कोडेड एज केते देई छी 218। ओके, देन से पचारी छी आ पई एबे मते कहंतु ये जहां भी लेखा जाय छी ते एठी केते वैल्यू नै कि जाय दिबा एको इंडिविजुअली केबे भी नै कि जाय परिवानी बिकॉज़ ऑफ एठी वर्ड अछि मो पकर 336 बा वर्ड लेंथ 6 अछि बट एठी 3 अछि सिमिलरली यार भी 7 वर्ड लेंथ अछि बट एठी मोर 3 अछि त माने एको आमे डेफिनेटली कोन करिबा एडिशन ऊपर को आसीबा ना कि आम इंडिविजुअल नवा जी एत बड़ नंबर जी अच्छी तो डेफिनेटली एडिशन ऊपर को आसतु जी एडिशन ऊपर को आसबी
यार बेस वैल्यू को एडिशन करे दबा या रिवर्स वैल्यू को नबा ओके बट हमें बेस वैल्यू को जदि नउचन 22 दैट मींस 9 दैट मींस 8 अगेन 20 देन 21 देन असला दिस इज योर 5 देन ई जोडा अछि सेटा तमरो 5 पोजीशन आसीबो एबे एको ऐड करे देउ त नै जीवा दैट इज 40 देन 20 60 देन आसीगला ये हलाने 20 81 देन ये हला 9 81 90 95 95 रे कोण मल्टीप्लाई करबी जोटा कि यूनिट डिजिट मोर आसीबो 1 करके एमिति कोनसी भी 9 मल्टीप्लिकेशन जोटी यूनिट डिजिट 1 आसीबो त माने ये ब्रेक हे गला हमें बेस वैल्यू अनुसार नै परिवा नै एबे रिवर्स वैल्यू अनुसार जीवा रिवर्स वैल्यू जदी आसु छी वी आसीबो 5 आई आसीबो 18 आर आसीबो 9 टी आसीबो 7 यू आसीबो 6 ई आसीबो 22 एको एबे ऐड करे दियंत 22 एको जे ऐड करू छी देन आसला मो पाकरे 40 देन 5 9 ये 15 20 देन से आसला 20 प्लस आसला 7 दैट मींस 67 आसला 67 आसुची तो अबे 67 त या पाखरे केही भी नाहंती त हम कहि परबे सर 67 नाहंती बट 67 सहित जदि मु 3 मल्टीप्लाई करबी देन मो पाखरे वैल्यू आसबो 201 देन 3 आनिली कोटु दैट इज भावेल आई गोटे भावेल यू गोटे भावेल ई गोटे भावेल मो पाखरे तीनटा भावेल अछि त मल्टीपल ऑफ 3 करेली द सेम सिचुएशन एठी अछि हो छि 7 देन आर हला 9 ये हला 26 देन ये आसीबो 20 ये आसीबो 22 देन डी आसीबो 23 वाई आसीबो केते हम पाखरे 2 करके आसीबो एको एबे ऐड करे दियंतु जेदि एको मु ऐड करउ छि दैट मींस ये आसीगला मोर 42 देन रह गला ये हम पाखरे नै जीवा ऐड करे देले 49 देन एको जेदि ऐड करउ छि ये आसीबो 16 18 एतिक ऐड करे दियंतु या सहित मल्टीपल ऑफ केते नबा देखिनो भावेल अछि गोटे दीटा त मल्टीपल ऑफ हमें को 2 नै कि जीवा ओके देन वैल्यू तमर आसी जीवा एडा एबे से पचारी छि कोन देखिनो पचारी छि पी आर ओ एफ ए एन ई पचारी छि त ये समस्त कर हमें कोन करिबा रिवर्स वैल्यू बाहर करिबा रिवर्स वैल्यू बाहर कला परे ताको ऐड कला परे यदि हमें मल्टीप्लाई करू छन देन वैल्यू आसीबो मोर 342 वैल्यू केते आसीबो 342 कौन मल्टीप्लाई करबी भावेल तीनटा भावेल अछन त मल्टीपल ऑफ 3 करे देबे रिवर्स वैल्यू को नै ऐड करकी क्लियर देन चालन तो जीवा क्वेश्चन नंबर 3 बाको को क्वेश्चन नंबर 3 को जदी आसुची से कह छी देखिन अंतु दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ एटा भी बहुत नुवा क्वेश्चन थिला ए थरर ए सो पई काना लास्ट टाइम क्यूब रो गोटे क्वेश्चन पचारी थिला बट से क्वेश्चन टा रोंग थिला बट एथरो क्यूब रो तीनटा क्वेश्चन आसी छी आ टिके ये डिफरेंट अछि यदि तमे भलसे यदि काउंटिंग वाला मेथड यदि जानिथिबो देन इजीली ए क्वेश्चन तमे सॉल्व करि परबो देखिनो से कोन दैछि 125 नॉट 125 एंड नाइ इट फुल टाइप हे जाइछि से आसीबो 125 क्यूब ऑफ द सेम साइज आर आरएनस इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ वा सॉरी ऑन ए टेबल से कहिछि दैट मींस से कहउछि कि 125 टा क्यूब मार थिला ता माने मु कहि परबी n क्यूब इक्वल टू 125 दैट मींस n इक्वल टू केते बाहरियो मो पकरे 5 बाहरियो देन कहि छी देन ऑल द कॉलम ऑफ द 5 क्यूब्स इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 4 कॉर्नर ता माने से कहि जो कॉर्नर रे जो क्यूब गुडा अछि सेटा को हमें रिमूव करबा रिमूव कला परे से कहि छी रेस्ट ऑफ देम सॉलिड जोडा अछि एक्स सॉरी एक्सेप्ट कोन दे छी द फेस टच इन द टेबल तन से कोची जो टेबल ऊपर हमें रखी थी क्यूब टा को चारिटा कंदर को बाद देला परे आम पाखरे जो क्यूब रहइबो सेटा को रेड कलर दिया हला तापर से क्वेश्चन से पचारी छी तन हमें टू कंफर्म हे सारी जंदी हमर एन केते बाहरी छी 5 तो ताको नै कि हमें फिगर ड्रा करे दउ छी एन बाहरी छी आम पाखरे 5 ताको नै कि मु फिगर ड्रा करउ छी देखिनो तो फिगर केमिति ड्रा हबो देन एन यदि 5 बाहरी छी तन कॉर्ड केतडा मु पकेबी कॉर्ड पकेबी मु चारिटा तो कॉर्ड नहीं गली चारिटा सिमिलरली 1 2 3 4 तो सिमिलरली अपडे ने भी 1 सिमिलरली अपडे ने भी 2 अपडे ने भी 3 अपडे ने जीवा 4 सिमिलरली अपडे भी रहइबो कॉर्ड चारिटा दीटा तीनटा चारिटा देन अपडे नवा गोटे दीटा तीनटा चारिटा देन से कोन कहि छी देखिनो अंतु एडी से कहिला कॉर्नर रे जो 5 कलर अछंदी सेटा को हमें बाद दे दबा दैट मींस को पार्ट तमरा ब्रेक हे जीवो त ने ए पार्ट टोटल इरेज हे जीवो ए पार्ट रहिबो नै ओमिट हे जीवो लाइक सिमिलरली ए पार्ट भी ओमिट हे जीवो ए पूरा पार्ट ओमिट हबो ए पार्ट भी ओमिट हबो
आ ये जो बैक साइड जोड़ा अछि से पार्ट भी से ओमिट होबो बोली से कहिच अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बट फर्स्ट क्वेश्चन से कोन देखन देख कहिच हाउ मेनी स्मॉल क्यूब आर देयर इन द सॉलिड आफ्टर द रिमूव ऑफ द ऑल कॉलम ओके ये फर्स्ट क्वेश्चन को जदि आसीबा हमें 3 नंबर क्वेश्चन को विदाउट फिगर रे भी हमें क्वेश्चन ला आंसर देई परबा केमिति हम पाखर टोटल नंबर ऑफ क्यूब केते थिला 125 तो रिमूव का को करबी चारटा कॉर्नर को तन ईच एंड एवरी कॉर्नर रे केतना रहइबो एन जदि अछि मार 5 तन ईच एंड एवरी कॉर्नर रे रहइबो मार 5टा करबी तन चारटा कॉर्नर माने 5 * 4 20टा मार रिड्यूस होई जइबो तने 125 माइनस जदि 20 करूची तन 105 आसीला मार फर्स्ट वन ला आंसर विदाउट फिगर रे भी हमें फर्स्ट वन ला आंसर देई परबा बट यदि हमें आसीबा नेक्स्ट लेवल को जीवा क्वेश्चन ला जदि नेक्स्ट लेवल को जीवा देन मे बी हमको डायग्राम ड्रॉ करिया पई पड़ी पारे तो सेति पई मु स्टार्टिंग रो ड्रॉ कर दे छी कने दी डायरेक्शन दे आइतला ऑलरेडी 3 टू 5 बोली ओके देन एबे आसी जान से कोन क्वेश्चन पचारी छी हाउ मेनी क्यूब हैव डू नॉट हैव एनी कलर त हमरा से कोची एठी केतरा क्यूब अछन दी जहार कोनसी भी साइड कलर हेई नाही ओके तने एबे आसी जान तो हमो पाखरे फर्स्ट नेई जीवा से कहीं ना जो दे टेबल रे जोड़ा रहइबो सेटा भी केबे कलर हेई नथिबो जोड़ा देथिला टेबल रे जोड़ा रहइबो सेटा केबे कलर हबनी तने एबे कहि दियंतु आमे फर्स्ट नै जिबा इनर पार्ट को नबा तापर जो तळ टेबल पार्ट को नै के ऐड करे देले बाहर जिबो एबे आसंतु इनर पार्ट को जदि नै कि जिबा एबे मते कोंतु या दर केतरा पार्ट मु ब्रेक करैली या दर मु केतरा पार्ट ब्रेक करैली देखिनंतु आमे जदि नै कि जिबा भल से देखिनंतु आमा पाखरे ये पार्ट टोटली ब्रेक हे कि जाइछि ये पार्ट टोटली ब्रेक हे कि पळैछि सिमिलरली ये पार्ट भी आमा पाखरे ब्रेक हे कि पळैछि तामने या भी तो रोइला केते गोटे दीटा तीनटा तामने ये साइड तो कलर हेतिबो तामने या सहित एईटा को जदि नै कि जेबी तान एईट गोटे पार्ट एईट गोटे पार्ट एईट गोटे पार्ट तीनटा ये तीनटा ये तीनटा एई टाइप रो तीनटा मो पाखरे बाहरिबो जोटी कि इनर पार्ट तामने या तळ को बाहरिबो या तळ को ने यार तळ को बाहरिबो ओके तो एईट केतरा बाहरियो देखिनंतु तो गोटे दीटा तीनटा चार पांच छा सतर आठ नौटा तो यही भाला केत रखे रनटा केमी ये कटि जाए कटिजाई तो ये रखी दिखाई रोच पाखे 1 2 3 तो सी रही तो ये बाहर गला आम पाखे 27 देन आमको बाहर करियर अच्छी जो टेबुल रहा कलर है ना से आड करदे बाहर जी तो ये कहतु मो पाखे टोटाल नंबर अफ के 25 हमें कहि परिया कि टोटल नंबर थिला मो पाखर केते सर 25 कोटा कि ग्राउंड रे तो चारिटा त हमें काटी देइ चंदी ताने रहिबो 21 एबे 21 को हमें ऐड करै परिबा नाही बिकॉज़ ऑफ काहे कि जदी तमे डायरेक्ट जदी 21 को ऐड करे दबो देन तमे आंसर 48 बाहर जिवा सेटा रॉन्ग बाहरिबो बिकॉज़ ऑफ काहे कि कना एई पार्ट एबे हम पाखर कलर हेथिबो एई पार्ट एबे हम पाखर कलर हेछि ताने सेठी हम पाखर आ केतरा बाहरिबो सेठी हम पाखर देखिनंतु केते कहिथिले 21 कहिथिली तादर गोटे दीटा तीनटा कटिबो एपटे कटिबो गोटे दीटा तीनटा तीन तीन छ सेपटे कटिबो आम पाखरे छ सॉरी तीन सेपटे कटिबो तीन ता माने टोटल कटिगला 12टा 12टा कटिगले केतना रहिला 9टा तने 27 प्लस 9 जदि नेबी तने आंसर आसी आम पाखरे 36 36 इज योर परफेक्ट आंसर केबे भी 48 मार के आसीबो नी डायरेक्ट एटा को ऐड करे दबनी कने ई फेस ता आम पाखरे कलर अछि क्लियर देन नेक्स्ट पार्ट को आसंतु क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा क्वेश्चन नंबर से 5 रे कोन दै छी देखिनंतु हाउ मेनी क्यूब हैव ओनली वन फेस कलर रेड ओके ओनली वन फेस कलर से रेड गई छी तान आसी जानतु रेड कलर वाला के भारीबो गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटा सतटा आठटा नौटा ये नौटा कंफर्म बाहरिले क्लियर ये नौटा कंफर्म आम पाखे बाहरी गले एबे हमें रेस्ट पार्ट को जीवा देखिनंतु ये पार्ट कटि जीवा काहेकि ना तमे कहबे सर एटी तो कलर हेथिला गोटे कहीं तुम कह सर यहाँ तो आप काटिक नहीं गले मैंने यहाँ तो रही थी कथा नो कलर दैट मीन वन फेस कलर ये फ्रंटा सी कौन कही कलर काटि सारापर कर्णरटा को काटि सारापर कलर होता मैंने ये डेफिनेटली यार डबल साइड कलर हो तो ये कलम भी कटिज ये कलम भी कटिज तेने ये रोज गोटे दीटा तीन टा रे तेने यही मिडिल केतटा आम पाखे कलम रिडिले आम पाखे रहा भी काउंट हम बिकज अफ या बटम सैडटा कलर ना नो कलर अच्छी तो गोटे दीटा तीन टा चारिटा तो ये गोटे कलम रहा चारिटा एपटे कलम सिमिलरली गोटे कलम चारिटा बैक साइड रारिटा एपटे रारटा ताने चारचू के आसीगला षोह ताने आंसर आसो तुम पाखे 25 करके आंसर आसो
बुझीगला मो कह कथा ये पार्टा क्लीयर ये मिडिल पार्टा ये मिडिल पार्ट्रे चार्टा आसो पूरा ये ब्रेक ये पूरा ब्रेक क्लीयर तेन चलत नेक्स्ट क्वेश्चन को देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के देख कही डेविड गेट ऑन द एलिवेटर ऑन द 11th फ्लोर ओके से कि से 11th फ्लोर रे से कौन कला ठिया ऑफ ए बिल्डिंग एट राइट ऑफ एट द रेट ऑफ 75 फ्लोर पर मिनिट तन से कहि 75 जो फ्लोर जी पर मिनिट से चढ़ी जाउछ ओके देन देखिनो तो सेम टाइप रे देछि अल्बर्ट गेट ऑन एन एलिवेटर एट द 51 फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग एंड राइडिंग डाउनवर्ड्स ओके तामरे देखिनो तो से कोन कहउछि से कहउथला कि गोटे लोक तमरो 11 नंबर फ्लोर रे थिला से बे चढ़ी कि गला केते 51 को सॉरी 51 कहउछि 57 को गला देन एठि से केते कहि देखिनो तो ये केते नंबर रे थिला 51 ले थिला तामने हमें कहबा कि ये 51 ले थिला देन ये बॉटम को खसुची राइट डाउन एट द रेट ऑफ 63 फ्लोर पर मिनिट तामने ये तळ को खसुची केतरा करी कि 63 टा फ्लोर ये केतरा खसुची 57 टा फ्लोर खसुची तामने गोटे चढ़ुची गोटे खसुची तने ए टाइप रो क्वेश्चन जदे हम सामना रे अछि देन ताको हमें केमिति बाहर करि परिबा आमे बाहर करि परिबा रिलेटेड टाइम नै कि बाहर कर दे परिबा तने यार फार्मूला हल्ला rt इक्वल टू रिलेटेड टाइम इक्वल टू रिलेटेड डिस्टेंस rd रिलेटेड डिस्टेंस बाय करिबा रिलेटेड स्पीड रिलेटेड केते करिबा रिलेटेड स्पीड करिबा ओके यार फार्मूला होचे या ए फार्मूला अनुसार पके देले बाहर जीवो तने rt हम पाखर केते रहिबा रिलेटेड डिस्टेंस केते बाहरिबा हम पाखरे रिलेटेड डिस्टेंस होची का मझीरे हमें नबा देखिनंतु ये केते नंबर फ्लोर कथा कहिथिला ये कहिथिला 11 नंबर फ्लोर कथा आ ये केते रे रहिची 51 नंबर फ्लोर कथा ये कोटु दिजन का स्टार्टिंग पॉइंट को नबा स्टार्टिंग पॉइंट 11 एठी स्टार्टिंग पॉइंट 51 ता माने ये केते बार गला 40 देन रिलेटेड जो स्पीड अछि सेटा अछि 57 सहित 63 त सेटा को हमें कोन करिवा ऐड करिवा ऐड करले केते आसीबो 120 आसीबो देन बाहर एटा को यदि काटि भी 1/3 कोन बाहरिबो मिनिट ता माने 1/3 मिनिट रे से माने कोन करबे परस्पर को मीट करबे काना क्वेश्चन ही से आ देई छी से माने केते बेले परस्पर को मीट करबे केते नंबर फ्लोर रे ता माने एबे हमें बाहर करिया पई जीबा केते 1/3 यदि नउ छी हमें यदि 11 फ्लोर रु जीबा तने से केतरा फ्लोर जाउथला 57 जाउथला तने एटा को यदि मु काटि यदि दउ छी तने केते रे एटा ब्रेक हबो 19 ले ब्रेक हबो ओके ये केतरा ब्रेक हबो 19 ले हम पाखरे ब्रेक हे जीवो जेने 19 ले जेरी ब्रेक होउची ता माने ये आगो को जाउथला ता माने 19 टा ऐड करे दबा 11 प्लस 19 आंसर भाला 30 या जदि हमें सेपरेट साइड न बा तने 1/3 इनटू केता करबी 63 थिला 63 को जदि काटुची ताने 21 ले कटिवो ताने कोटू माइनस करबी कोटू माइनस 1 करबी 21 कटिवो ताने कोटू माइनस करबी सेटा को क्वाडला हम पाकर 51 देथिला ना काई 51 से माइनस है 21 जमी 11 ला प्लस है ला 19 सिमिलरली से 51 माइनस कर देवी के 21 देन सेम वैल्यू बाहर 30 ओके देन आंसर इज 30 बाहर देन आसतु नेक्स्ट वन को द नेक्स्ट वन टा देखु से कही नेक वेंडर कॉल ऑन हिज फर्स्ट कस्टमर एंड सेल द हाफ हिज एग्स एंड हाफ एन एग या माने बुझीला से कहि जेति की पार्ट से रखी थिला तार अधा देला आउ गोटे रो अधा देला ता माने एटा को हम एमिति नै परिबा x/2 कर देली ता माने x/2 से करी कि ताको दे देला आउ गोटे रो अधा देला ता माने एमिति भाबंतु मु कहूची मो पाखरे थिला केतटा 10टा थिला मो पाखरे जदि 10टा थिला ता माने ताको जदि मु अधा देबी तार 5टा देथिबी किंतु तापर आ गोटे अधा देथिबी ता माने 0.5 माइनस करे देले मो पाखरे केते रहइबो 4.5 ता माने जे वेंडर ता पाखरे केते रहइबो 4.5 त मु सेइटा ही बाहर करू छी से आ गोटे रो अधा दे देला ता माने माइनस हे जइबो देन अगेन से कोन कछि सेकंड वेंडर को डाकी कि तार अधा दे कि फुनी तार अधा से दे छी ता माने यार अधा जेते दबो इमिति बाय 2 करंतु फुनी जेते दबो अधा फुनी पॉइंट माने 1/2 फुनी थर्ड वेंडर ये होचि फर्स्ट वेंडर पई आ ये होचि सेकंड वेंडर पई थर्ड वेंडर रे भी फुनी अधा करंतु अधा कला पर फुनी भी से ताको दबो केते अधा एटा केते देछि 3
एटा को जदी आमे काटी बा देने आमो पाखरे आंसर केते आसीबो 31 करिके आसीबो क्लियर आंसर केते आसीबो 31 करिके आसीबो देन चालन तो जीवा नेक्स्ट वन को तो नेक्स्ट वन टा देथिला केते करी देखनु काउंटिंग फिगर देथिला ए क्वेश्चन बहुत थोर बाणिक रे पचरा हैच जदी तमे देखिबो जदी तमे टेस्ट देथिबो देन ए क्वेश्चन बहुत टाइम हमरो बाणिक सेट रे आसीची तो जोटा के आसी जान तो देखिबा से केते कहिची ट्रायंगल से कहिची तो आमको ट्रायंगल सिखा आइची केमिते आमे काउंट करि परिबा ट्रायंगल आमको सिखा आइची केमिते आमे काउंट करि परिबा आसंदु दिस इज योर 1 या आमे डे कलर चेंज कर देबा एटा होची गोटे स्क्वायर एटा एम्प्टी कटिंग आइची दिस इज अनदर स्क्वायर एम्प्टी कटिंग आइची यदि एम्प्टी कटिंग होची तावने बाहरिबा 8टा से बाहरियो प्लस 8टा देन ये बाहरिबा देखिनंतु 3टा ये बाहरिबा 3टा ये बाहरिबा 3टा देन 3 3 6 3 9 साइमल्टेनियसली ये बारिबो 3टा ये बारिबो 3टा ये बारिबो 3टा से बारिबो 9 एकु जदि मो ऐड करू जे हला 16 ये हलाणी 9 9 18 16 18 हला 6 14 4 नेला केते करिक नेला एक करिक नेला नेले हला 3 ओके 34 एबे आसंतु तापर आमे जीवा नेक्स्ट पार्ट को कोटा आसीबो देखिनंतु एई पार्टटा को गोटे कंबाइन करले आसीबो एई पार्ट को गोटे कंबाइन करले आसीबो या आसला 2टा एई पार्ट को सॉरी एई पार्ट को जदी गोटे नबा से आसबो 3टा या आसबो 4टा फुने एई पार्ट को गोटे नबा 5टा एई पार्ट को गोटे नबा 6टा देन से आसबो 6 देन कलर चेंज कर देउ जेडी से आसबो 6 हेले आंसर आसबो मो पाकरे 40 ओके क्लियर देन चालन तो क्वेश्चन नंबर केते क्वेश्चन नंबर जीवा हमें 9 पाखो को जीवा देन क्वेश्चन नंबर 9 ले से देखिनो तो कोन कहिथिला से कहि डाइस रो क्वेश्चन से कहि जोटा कि ओपन डाइस रो क्वेश्चन क्लियर एबे मते कोंदु ओपन डाइस रो क्वेश्चन को ये जो फिगर देछि आ ऑप्शन बेस देछि हम को यदि एही गोडा यदि पचारी दे थाना ऑप्शन ले देन हम को डिफिकल्ट फेस दे थांदा बट हम को कोन करै छि से ऑप्शन टा को डिफेंड करै दे छि एटा सबटा इजी जिंस डाइस रे तने एबे कोंदु मोर 4 फॉर्मेशन हेई परिबो गोटे सेकंड यार चारि मोर फॉर्मेशन हेई परिबो यस डेफिनेटली चारि फॉर्मेशन हेई परिबो जेदि चारि फॉर्मेशन हेई परिबो ऑप्शन ए कटि गला ऑप्शन सी कटि गला एबे मते एंको भितरे कंपैरिजन करिवार अछि काहाकू 2 को मते कंपैरिजन करिवार अछि 2 जेदि आ सॉरी 2 त कॉमन अछि 2 को ने 3 को नै चलंदो 3 आसीबो ना यस आसीबो बिकॉज़ ऑफ फिगर डिके ये नाही बट एट मु बुझै दउ छी एक कोन पई ब्रेक हबो मु सही जिंस बा बुझै दउ छी ये जतल फोल्ड हेथिबो आ ये जतल फोल्ड हेथिबो दैट मींस से माने ये दि जन डायगोनली अपोजिट थिबे ये दि जन डायगोनली अपोजिट थिबे ए दि जन डायगोनली अपोजिट रहिबे ए माने डायगोनली अपोजिट रहिबे ए माने डायगोनली अपोजिट रहिबे बट इन द सेम डायरेक्शन ले रहिबे ए मानकर सेम डायरेक्शन ले से माने रहिबे डायगोनली अपोजिट रहिबे बट सेम डायरेक्शन ले रहिबे बट ऑप्शन ए ले अपोजिट डायरेक्शन अछने सेति पई ऑप्शन ए कटि गला या फिगर ए कटि गला फिगर ए कटि गला माने आंसर बाहर जियो मो पकर डी करिके क्लियर अछि चालन तो जीवा नेक्स्ट वन को नेक्स्ट वन से देखिनो तो कोन दिछि सिलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच नंबर आर रिलेटेड द सेम ओके देन आसी जान तो एटा केते दिछि 24 एटा दिछि 24 तापर दिछि 10 तापर दिछि 392 ओके देन देखिनो तो केते केते दैथिला हम पाखरे 392 करिके दैछि हम पाखरे ओके देन आसन तो जीवा कौन एटी आंसर बाहर आम से जिनसा को देखने ये जी आम आसवा ताने आमको सब बड़े यही फर्माट्रे जो क्वेश्चन आसज रिलेटेड नापी पड़ो तो आम कौन करवाटा को एंकर डिफरेन्सटा को आगे नहीं चलते 14 14 स्क्वायर प्लस प्लस कले तो बाहर 14 स्क्वायर इंटू 2 कर भैल्यूटा आसो क्या 14 स्क्वायर है 196 इंटू जदि 2 करोची तन चार चार आठ कटी गला यस 392 वाट ओके तन से कहू छी डिफरेंस ये दी जों कर डिफरेंस रो स्क्वायर माने डिफरेंस रो स्क्वायर इनटू 2 कर देले वैल्यू आ जी तो सही अकॉर्डिंग टू गले ऑप्शन केता आसीबो ऑप्शन हम पाखरे आसी जीवो एक करकी आसीबो हम पाखरे एटा आसीबो आंसर करकी 29 आ 18 ला डिफरेंस हला 11 11 ला डिफरेंस हला 121 इनटू 2 कर देले 242 करकी वैल्यू आसी जीवो हम पाखरे क्लियर देन चालन तो नेक्स्ट वन तो नेक्स्ट वन से कहि देखिनंतु इट इज योर देछि देयर आर डियर एंड पीकॉक इन द जू बाय काउंटिंग हेड आर 80 द नंबर ऑफ द देयर लेग्स इज 200 देन हाउ मेनी पीकॉक आर देयर से कहू छै पीकॉक एठी केतडा अछन्ते हम पाखरे ओके
देन से कहि कि आम पाखर कोन अछंदी पिकअप केतरा अछंदी देन आंसर एठी आसीबो आम पाखर हेड आउ जेडी नै कि जीवा देन आंसर तम पाखर आसीबो 60 करिके एठी आंसर आसीबो क्लियर अछि कंफर्म तो एटा को आगे नै जीवा एक्स करिके नै कि पके कि बाहर करे देले एठी आंसर आसीबो डी करिके 60 करिके आंसर आसीबो द नेक्स्ट वन को चालन तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थिला द नेक्स्ट क्वेश्चन इठी थिला यस एटा आसला से कहि छि व्हाट ऑफ द डे ऑफ द वीक इज 31st जनवरी 2007 तो जनवरी 2007 को जदी नबा देन आम पाखरे दीटा फॉर्मेट अछि गोटो जी शॉर्टकट अछि गोटो जी बेसिक अछि तो बेसिक अनुसार गले आमे लिखि दबा एमती 2007 जनवरी 31st तो आगे नबा लीप ईयर होउछि 2000 को कंप्लीट हेछि 6 कंप्लीट हेछि देन जनवरी माने सबळे बैक डेट रे आमे चालंती तो जिमिति गेटि 7 थिला बोले एटी 6 नेली सिमिलरली एटी जनवरी अछि माने डिसेंबर नै पारिबि नै कारण तमे कह सर बैक डेट रे चलंतु बिकॉज़ ऑफ एटी 6 अछि ऑलरेडी त मु नै सारछि 6 रो डिसेंबर कंप्लीट हे सारछि त सेति पई जेदि मंथ जदि जनवरी थाय त नै मंथ को प्रायोरिटी दबा दरकार नै दिस इज योर सेंचुरी दिस इज योर ईयर ओके देन डे आसबा त डे 0 देन आसि जानतु का पाकु सॉरी मंथ आसबा त मंथ 0 एबे आसि जानतु डे डे अछि 31st त 2000 रे आसिबो 0 छे आसो देख छस छा अटे लिप इयर गोटे आसो तो सात ये आसो तीन तेज सब कुछ मिसई दिं क्या बै सेवेन कले थ्री आस टेन आसो टेन बै सेवेन कले रिमाइंडर आस थ्री थ्री आम पाखे वेडनेसडे दिस इज योर बेसिक कनसेप्ट जोटा कि बाहर जी क्लीयर आहरी बहुत सारा वे अच्छी बट से वे कौन हम टेपी तुमको लेंदी प्रोसेस तुमको बहुत सारा जिन मन रखा पड़ो ये किसी मन रखा ना यहाँ बेसिक जिन इजिली बाहर गला क्लियर अच्छी देन नेक्स्ट वन को आसंतु जुबा तो नेक्स्ट वन कौन देखी देखी नो यस अगेन आसी गला हम पाखरे डिक्शनरी वर्ड अनुसार आसी गला देन डिक्शनरी वर्ड अनुसार जदी जाउची हमें आंसर बाहर करि परबा की यस देखि नबा कोन भाव छी आंसर आगे आसी जानतु मैक्सिमम टाइम कोटा यूज हे छी वी यूज हे छी तने सी ऑप्शन को काटि दियंतु वी मैक्सिमम टाइम यूज हे छी क्लियर कहना देखि नंतु एठी अछि एम ई टी एच एठी अछि एम ई टी ई अछि त माने एटा ही फर्स्ट प्रायोरिटी रे आसीबो तन भी आसला दीटा जगह आम पाखे डबल मान ट्रिपल आई अच्छे आई अच्छी ट्रिपल आई भर कंपेरिजन कर दिखाँ एम इ टी आई एम इ टी एच डेफिनेटली किए आस एच आगे आसा पर आसने ये ऑप्शन भी कटिगला एवं नेक्स्ट वन को जिते जाम पाखे कौन कौन अच्छी आई कमन अच्छा छाड़ दिंतु एटा भितर कंपेरिजन कर डबल आई आई भी डबल आई भर देखी ना एम इ टी आर अच्छी एम इ टी टी अच्छी तो डबल आई प्रायोरिटी फर्स्ट आसो कारण टी पर आर अच्छी टी पर टी अच्छी तो प्रायोरिटी डबल आई रही आस आंसर आसीगला तुम पाखे बी कर क्लीयर अच्छी क्वेश्चन नंबर 14 को आसतु क्वेश्चन नंबर 14 को आसतु देखा क्वेश्चन नंबर 14 से कौन दे रिसीव वर्क 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ शुण बाबा 14 नंबर काटबूर एडिट हम बुझे क्वेश्चन नंबर 14 को आसतु से देखिए रिसीव वर्क कौन दे 20 मीटर नॉर्थ तो 20 मीटर से नॉर्थ चलला देन ही टर्न टू इज राइट एंड वर्क 30 देन टर्न टू इज राइट एंड वर्क 30 देन से देखी देन ही टर्न टू हिज राइट ओके देन ही टर्न टू हिज राइट तन राइट तल को आसी 35 दिस इज योर 35 आसी गला देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वर्क 15 लेफ्ट आसी एपट को आसी 15 देन से लेफ्ट नहीं पलिचे आम पाखे के 15 ताने यही पार्टा को से आमको से पचारि थी ओके ये 30 आसीगला ये 15 माने ये 15 तो ईस्ट आस 45 मीटर के 45 मीटर ईस्ट करके आस परफेक्ट अच्छी देन चलतु नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन से देखी ना से कौन दे हाउ इज सीयर कोड बा रिटर्न इन द दिस लांगुएज ओके ये टे क्वेश्चन भूलभाल प्रिंट हो बाबा देखी ना दैट मीनस ये गोटे ही रोटे इन टा कटिज ये ब्रेक हो टाइप एनी मानते दैट मीनस फाइनाल पेपर में भी से हाँ अच्छी बट ये ऑप्शन ना तो से देखी ना आम जब आसवा सीयर कोयर अच्छे सीयर अच्छे इज अच्छे दीटा लाइन कमन अच्छे दीटा लाइन किए कमन अच्छी जा कमन अच्छे एंड मा कमन अच्छे बट ये ऑप्शन ले देखी दिखु यहाँ जो मेन मेन जो रही से ऑप्शन ना बट ऑप्शन ले अच्छे आंसर ये बाहर ये टी मान साइड प्रिंट हो मेन पेपर भी सही भूल अच्छे बट ऑप्शन इज बी आस क्लीयर अच्छी एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु जी आम से कह देखते पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए वोमेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए वोमेन से कौन कर निर्मल सेड ओके गोटे वोमेन को पॉइंट आउट करी एन कहूँगी कौन कहला एन कहला कि सी इज द डॉटर ताने वोमेन सी का लगी वोमेन लगी सी इज द डॉटर ऑफ द माय वाइफ्स ग्रांट
मदर्स ओनली चाइल्ड ओके तमन ता वाइफ रो ग्रैंड मदर रो ओनली चाइल्ड रो से होची छियो ओके तमन ता ग्रैंड मदर रो ओनली चाइल्ड तमन ता ग्रैंड मदर रो ओनली चाइल्ड सॉरी ता वाइफ रो ग्रैंड मदर रो ओनली चाइल्ड से कहि ता वाइफ रो ग्रैंड मदर रो ओनली चाइल्ड ता माने ता ससुर दैट मींस ता फादर इन लॉ कारण प्रायोरिटी आमे दबा बापा साइड को जदी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ आसीबो तार ओनली चाइल्ड जिए हब से होची ई वोमेनटा ताने मे बी से ता वाइफ हे पर थांदा मे बी ता सिस्टर इन लॉ हे परबो बट सेटी लेखि देची हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू द कौन देची निर्मल इज सी इज सॉरी इफ सी इज नॉट द वाइफ ऑफ निर्मल ओके तार सीटा होची ता वाइफ ने मु को कहली दीटा ऑप्शन आसी परबो तर मे बी ता वाइफ हे पर मे बी ता सिस्टर इन लॉ हे पर तो वाइफ तो कटि गला डायरेक्ट से मना कर देची तान गोटिंग ऑप्शन रहबो सिस्टर इन लॉ आसीबो तमरा आंसर एगी आसीबो क्लियर देन नेक्स्ट आसी जानतु जीवा इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा भी बहुत टाइम हमर बाणी साइड रे भी पड़ी छी पेपर रे भी तमे चाहिले भी चेक करि पारिबो आउ जे ये क्वेश्चन इजीली जानी थिवो से इजीली सांगे सांगे देखु देखु क्वेश्चन रे आंसर कहि दे पारिबो तो आसी जानतु से कहि छी कोन देखिनो तो जेडआईपी बोली कहि छी जेडआईपी कहि छी 198 तन 198 को हमहु को सॉल्व करिया पई हेले हमहु कोन करिया पई पड़बो तो बेस वैल्यू नहीं की भी जाई परबा रिवर्स वैल्यू नहीं की जबा हमें फर्स्ट रिवर्स वैल्यू को नहीं जबा कैना फॉर्मेट मैक्सिमम पिला इटा ही करथिबे रिवर्स वैल्यू तो यार जेड रो रिवर्स वैल्यू 1 आई रहउ छी 18 यार रहउ छी 11 ए दिटा को मल्टीप्लाई करले एटा वैल्यू बाहरिबो ओके सिमिलरली जा प्र जदी नहीं जबा ये होउ छी 1 ये होउ छी 26 ये होउ छी 11 बट ए दिटा को मल्टीप्लाई करले 246 बाहरु नाही बाहरु छी की ना ये केते बाहरिबो 286 बाहरिबो बट मैक्सिमम पिला कहबे कि सर क्वेश्चन भूल अछि क्वेश्चन भूल नै क्वेश्चन परफेक्ट ही अछि क्वेश्चन को जगह रे बेटी भूल नै एटी टिके कांसेप्ट टिके चेंज कराई जी पर लॉजिक टिके चेंज है जी कोन आइ छि से कहि छि जेड आईपी तो जेड रे नै छि 26 यार नै छि 9 यार नै छि 16 एटा को माइनस करके एटा प्लस करे दे छि इनटू केते करे दे छि इनटू से 6 करे दे छि एटा इनटू 6 रे रैंडमली करे छि तने एटा जदी नौ छि तने एटा आसीबा 2 नेला 1 4 42 माइनस 9 जदी करबे वैल्यू विल बी 33 33 into 6 करै दियौ त वैल्यू आसीबो 198 करिके आसीबो सिमिलरली एटा को नै जिबा जेडएपी को जदि नबा जेडएपी को जदि नबा एटा नै जिबा हमें केते करिके नबा जेड होउची 26 ये होउची -1 आसीबो ये होउची +16 आसीबो त हमें कहि परबा 42 -1 हेले केते आसीछ त हमरो 41 41 into जदि 6 मु करौची 6 को 6 24 देखिले बाहर गेला तो बाहर गला तो ये सही अनुसार यदि करबी त आंसर आसीओ 179 करके मो पकरे आंसर आसीबो क्लियर अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन ल दै छी देखिनो रानी एंड सीमा ओके आर इज द मैरिड कपल त एमिति नै जा ताको सब शॉर्टकट रे नै जीवा से कहि छी देखिनो तु आर एंड एस जो माने छन मैरिड कपल एंड टू डॉटर डॉटर गोटे होछि एम दै छी आ गोटे होछि डी दै छी ओके तो डॉटर कथा से कहि छी एम दै छी गोटे आ गोटे डी दै छी एम दै छी गोटे डी दै छी गोटे डॉटर देन से देखो तो देखि छी डी इज मैरिड टू ए ओके डी इज मैरिड टू ए तो हमें एपड़ को स्पेस अछि तो एपड़ को डी लेके दबा डी इज मैरिड टू कोन दै छी डी इज मैरिड टू ए ओके नो इशू डी इज मैरिड टू ए तने ये पुओ बाहर जीवो हु इज द सन ऑफ जी एंड टी हु इज द सन ऑफ जी एंड टी ता माने ये बाहर गेला के देखनो जी एंड टी यार फादर बाहर जीवे या मदर बाहर जीवे कने जेंडर तकर फाइनल है निधि इज द डॉटर ऑफ अनुराग ताने ए र के होबो एन आसीबो ता डॉटर है की त कमल हु इज द अनुराग सिस्टर ओके तार कमल आसीबो अनुराग सिस्टर है की इज मैरिड टू कोन दै छी हर्षित देन हर्षित को मैरिड करी छी से तान हर्षित बारे अपो करी की एंड हैव टू सन वन इज अमन वन इज भारी जीव अमन एंड आगुटे बारे प्रेम ओके दे जी प्रेम इज द ग्रैंड सन ऑफ द गरिमा एंड तरुण ओके गरिमा एंड तरुण लो ग्रैंड सन भी अच्छन से कंफर्म एटा होची हमर रिलेशनशिप देन दे जी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अमन एंड निधि ओके आसी जानतु अमन आउ निधि भीतर अमन काई अमन अछि एही निधि काई निधि अछि एही दैट मींस कजन फर्स्ट आंसर इज ए बाहर गेला हमर पकरे एबे आसन सेकंड क्वेश्चन को जीवा सेकंड क्वेश्चन रे जी हाउ इज कमल रिलेटेड टू द दीप्ति तन कमल आसंतु कमल इज रिलेटेड टू से कहि छी दीप्ति तन इज सिस्टर इन लॉ आसीबा ता भाई रो सॉरी ता हस्बैंड रो सिस्टर अछि ता हस्बैंड रो सिस्टर अछि माने सिस्टर इन लॉ आसीबा ता 19 इज आंसर आसी जीवा हम पखरे केते करिक देखिनो तू 19 इज आंसर आसीबा हम पखरे बी करी देन द नेक्स्ट वन को जीवा नेक्स्ट वन को देखि देखिनो तू व्हिच वन इज नॉट बा व्हिच वन इज ट्रू से कहि छी ओके देन से कहि छी व्हिच वन इज ट्रू तने ट्रू को जदी आसीबा फर्स्ट वन देखिनो तू तरुण एंड दीप्ति आर मैटरनल तरुण इज दीप्तिस मैटरनल अंकल
देखि ना तरुण कुआ गला एटी अच्छी तरुण तरुण हम दीप्तिर मेटरनाल हम कि या हजबैंड माँ कि बापा ये हम ता मान आइदर से फादर इन लो ना मदर इन लो हम तो फर्स्ट ऑप्शन कटिगला एंड देखिए अमन इज सन ऑफ मेधा देखि ना अमन इज सन ऑफ मेधा के हम कि ना मेधा ये रही अमन ये रही हमी गरिमा इज हर्षित मदर इन लो ओके गरिमा इज हर्षित मदर इन लो यस एटा हो पार क्या देखि ना हर्षित को किए बाहरी कमल बाहरी कमल माँ बा बापा किए हम टी हम बा जी भी हो पारे तो ये दीटा ऑप्शन रू आम नहींको ऑप्शन सैटिस्फाई करूँ निधि इज अ कजन ऑफ कोमल से केवी हेनी क्या निधि रही आम पाखे कौटी ये कोमल रही कजन के ऑप्शन ए कटिला ऑप्शन बी भी कटिला ऑप्शन डी भी कटिला गोटे रोचे सी बट ये जेंडर फाइनाल होनी बट आम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखिए मदर इन लॉ बोली करके जापर आउ किसी ऑप्शन ही ना आम पाखे क्लियर अच्छी द नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु जावा द नेक्स्ट क्वेश्चन कही इन द कोड ओके देन से कही मदर कही एम ओ टी एच से कही ई आर बोली कही देन ओ एच एन यू आर एफ बोली कही देखी ना ओ आसला एच आसला आर आसला ये सब रही है सब होते प्लस वन प्लस वन दैट इज प्लस वन ये सब प्लस वन ये प्लस वन ये प्लस वन तो सही एनसर गले आमको बाहर के एन एस डब्ल्यू आर तमें एन कन्स्टाट रब्ल्यू कन्स्टाट रर कन्स्टाट र एटा आसा आसा आस रु एफ आस तो सही अकॉर्डिंग टू जी जाऊँ एनसर के मो पाखे डी करके एनसर आसला क्लीयर अच्छी चलत नेक्स्ट वन को नेक्स्ट वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू फाइंड द ऑड वन आउट से कही प्लाटफर्म डक कही देन बस स्टाण देन पार्क पार्क ही आस बिकज कहीं देखी ना कहीं एगुटा सब ट्रांसपोर्टेसन यूज होते कहीपर जो पार्क में कौन ट्रांसपोर्टेसन ना क्लीयर देन चलत नेक्स्ट वन The next one से कही देखी ना लायन टाइगर फॉक्स डियर देन डियर आस मानने जो कहते हैं कानिवर्स वाला कहते हैं मांसाशी प्राणी जोटा कि सादा सादे प्राणी ओके क्लीयर देन आसतु नेक्स्ट वन को से कही कि ये क्वेश्चन टाइम देखी ना ए डॉक्टर सेड टू हिज कंपाउंडर आई गो टू सी द पेसेंट एट दे आर रेसीडेन्स आफ्टर एवरी थ्री आवर थर्टी मिनिट्स ओके एवरी थ्री आवर्स थर्टी मिनिट्स से जाए आई हाव ऑलरेडी गन टू द पेसेंट एट वन आवर ट्वेंटी मिनिट मान गोटे घंटा कोड़े मिनिट से पूर्व एंड गो द नेक्स्ट टाइम आई सेल टू गो एट के वन फोर्टी ते कह फोर्टी नेक्स्ट टाइम जी वन फोर्टी कौन हम नेक्स्ट टाइम जी वन ट्वेंटी मुझी के वन ट्वेंटी घंटे मान घंटे कोड़े मिनिट पूर्व से जाता आर नेक्स्ट भिजिट कर तामने से केते बेले से ताको कहूची तामने आमे कोई दे परिबा यदि नेक्स्ट विजिट करबो एतिकि प्रति थर से विजिट करूची केते 3 घंटा 30 मिनिट रे तो माइनस 3 घंटा 30 मिनिट कर दियंतु तमे कहो सर गोटे 40 रु केमिति माइनस करिवु गोटे 40 को आमे लेखि दे परिबा 13टा 40 रु 3टा 30 यदि फेडी दउची तने बाहरिबो 10टा ये बाहरिबो केते 10 तने 10टा 10 रे से जाई दसटा दस रे सी जाइवा कथा बा जाइला जोटा कि जीव एवं से कह घंटे कोड़े मिनिट पूर्व जाइारी मैंने घंटे कोड़े मिनिट पूर्व जाइारी मान दसटा दस रु आम प्लस करदे से वन ट्वेंटी घंटे कोड़े मिनिट प्लस करते रगारटा तीस रहा तुम एमती कहीपर सी कह नेक्स्ट भिजिट दी एगारटा चालीस तो प्रिभस भिजिट के प्रिभस भिजिट जा दसटा दस रे आ सी कंपाउंडर को कौच कि से जो दसटा दसटा जा घंटे कोड़े मिनिट पूर्व जाए के कौच तो दसटा दस सहित घंटे कोड़े मिनिट आड कर दिखाते एगारटा तीस कर बाहर क्लीयर अच्छी देन चलत नेक्स्ट वन से नेक्स्ट वन टा से कहते देखी ना नेक्स्ट वन टा कही एस इ पी टी यु ए जी इ एन ए आर आई एन एक जिन से कही जिन कहला से कही देखी ना फर्स्ट थ्री And then next three are letter are written in reverse order. तब मने P E S डाउ ची A U T है जीवो. Then they say rest of the letter are written in the appear in the English alphabet. Okay. ए पार्ट को इतना छाड़ी दे था तो. Then they say the position of the how many letter get change in the new arrangement. से कोई जी change in the new arrangement. तने एटा को अरेंज करबा पई पड़ीबा हमकु अल्फाबेटिकली तमन आगे आसीबो ए तापर आसीबो ए कैना दीटा ए अछि ए परे ए ए पळेला तापर आसीबो ई ई परे आसीबो जी
जी पर आसीब आई आई पर आसीब एन एन आर एठी रखिनंतु चेंज केतडा हाइचें से कोच अनचेंज जेति के अछंदी बाहर करे दियंतु रेस्ट ऑफ पार्ट चेंज टोटल नंबर ऑफ लेटर केते थिला 14 दीटा अनचेंज अछंदी तान चेंज केतडा अछंदी 12 तो चालंतु नेक्स्ट को सेडी कहि छी हाउ मेनी कोन देखु रोम्बस कहि छी आमे जानछंदी के एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस जेरी एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस अछि तान ए जिंसटा को देखंतु केमिति सॉल्व होबो आमे एटा को नै जिबा एटा को गोटे पार्ट हेइ गला देन फुणे ई बडडा गोटे पार्ट हेइ गला जोडा की स्क्वायर अछंदी देन आमु पढा आइ छी की यदि एमिति स्क्वायर थिबा तने 1 और 2 नबा 1 ला स्क्वायर 2 रा स्क्वायर पके देले बाहर गला 5 त माने एमिति नै गले 5 त माने इनर पार्ट रे भी 5 आसीबो आउटर 5 तने 5 प्लस 5 वैल्यू आसला 10 बट आउरी भी अछंदी छोटो छोटो जोडा के होची एटा गोटे काउंट हेइनी ये गोटे काउंट हेइनी ये गोटे काउंट हेइनी ये गोटे काउंट हेइनी से बाहरिबे 4टा तने 17टा बाहरिले आउ केइ नाहंती रंबस वाला रेक्टेंगल केबे भी रंबस अपनी स्क्वायर ही रंबस त बाहर गला 14 क्लियर अछि चालन दु से क जेटि मिनिमम कलर एटा केते थर पडिचि बा केते थर क्लास रे कुआइ जे ई क्वेश्चन न देखि कि तमे कहि दे पारिबो कि 3 आसीबो बोली आंसर केमिति मु एटि नेली रेड एटि नेली पिंक एटि नेली रेड व्हाइट तो एपट ने भी रेड एपट ने भी व्हाइट एपट ने भी रेड एपट ने भी व्हाइट तो केतरा कलर गला रेड गला पिंक गला व्हाइट गला देन फुणी का को नै जेबी पिंक को नै जेबी काना हबनी फुणी चालिबो रेड व्हाइट तन टोटल मिनिमम कलर 3टा एडा केते थोर क्लास रे कोआइ छ क्लियर तापर चालन त जेबा नेक्स्ट वन को देन से नेक्स्ट वन ला कोन दै छ देखिनन तू 7 इयर फ्रॉम नाउ अनामिका विल बी एज ओल्ड एज मालिनी वाज 4 इयर एगो ओके देन देखि देखिनो तो श्रीनिधि वाज बोर्न 2 इयर एगो से कहि छी जोडा अछि से श्रीनिधि ओके श्रीनिधि जोडा अछि 2 इयर एगो बोर्न हेतला द एवरेज ऑफ द एज ऑफ कोन दिस अनामिका एंड मालिनी एंड श्रीनिधि ऑफ 10 इयर फ्रॉम द नाउ विल बी 33 इयर से कहि 10 वर्ष ये को जाई कि 33 इयर आस्तिबो बोली देन व्हाट विल द प्रेजेंट एज ऑफ द अनामिका ओके तने क्वेश्चन डा भी तमे देखि देबो यदि एई टाइप रा क्वेश्चन हमर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन हेई छी टेस्ट सीरीज रे त चालन त देखि नबा ताना हम एमिति नै परिबा तामना हम एमिति नै जीवा त अनामिका केता आसीबो a - 4 इक्वल टू आसी जीवो a - 4 कहि कहू छी बेटा मालिनी को आसीबो ना त मालिनी - 4 इक्वल टू आसी जीवो हमर अनामिका प्लस 7 आसी जीवो क्लियर काना सेटी रे 4 इयर एगो दै छी त एटा 7 इयर से कहि छी त माने एटा जदि होउ छी त माने एमिति कहि परिबा मालिनी माइनस अनामिका केते हि जीवा हम पखरे 11 बाहर जीवो एदिटा को मिसै देले एबे से कहितला तीन जनकर एवरेज होउ छी 33 त माने तीन जनकर एवरेज होउ छी 33 तन टोटल नंबर टा केते होउ छी 90 टोटल नंबर बाहरिबो 99 सॉरी 90 कोछ 99 बाहरिबो त 10 वर्ष पूर्वरु से कहि छी त माने एटा जोटा मु नै छी एटा प्रेजेंट को नै छी त ता पूर्व को जदि जी बदन केता हो ईच एंड एवरी जगह रे 10 10 10 माइनस हो ताने 30 माइनस हो काने एटी 3 जन कर एवरेज टा को न्या आई छी 99 करी जदि हमें एमिति न बा तमे कहबे सर एटा हमें बुझी पालु देन 3 जन कर होची 33 तो 10 वर्ष पूर्व कसले 23 23 इनटू 3 करन तो जहां एटा को माइनस कर देले 69 आसीबो एटा भी आसीबो 69 ही आस्तुबो क्लियर ये भी आसीबो केता करी देखिनो तो 69 करी आसीबो बट एबे देखिनो श्रीदीदी केते दै छी 2 इयर एगो बोर्न नै छी त 2 वर्ष आगुरु जन्म होइतला त एटा को माइनस कर देले आसीबो 67 आसीबो ओके 67 आसीला त 67 कहार आसीला से आसीला श्रीनिधी सॉरी ए जो मालिनी प्लस इयर आसीला अनामिका काना दि श्रीदीदी टा हम माइनस करै छथि त हम एटी नै परिबा मालिनी प्लस अनामिका आसीगला तने एटा को काटि दबा हमे काटि देले एटा रहइबो 67 त 67 रहइबो 2 मालिनी इक्वल टू केता आसी जइबो एटा आसीबो 8 78 आसी जइबो त माने गोटे को जदि आसू छी तने मु केता आसी जइबो 78 जदि होउची तने 39 आसीबो तने m इक्वल टू जदि 39 होउची तने हमे बाहर करि परिबा कि केते वर्ष हबो बोली देन यदि हमें नौ चंदी 39 तो नहीं व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ वन हमें का ओके ताने ए सहित तो हमें नहीं की जीवा केता अच्छी एम अच्छी 39 ओके ताने हमें इटा को नहीं जीवा ए दी जो करो
माइनस वैल्यू हूँ एगार ताने एम जदि बाहरी पकईदे आम पाखे बाहरी कहीं यहाँ को नहीं चलते एम माइनस ए इक्वल टू देखा एगार ताने एम बाहर ट्वेंटी एट सरी थर्टी नाइन थर्टी नाइन यदि थर्टी नाइन बाहर थर्टी नाइन माइनस करदे बाहर जी ट्वेंटी एट बाहर जाने ए बाहर ट्वेंटी एट करके क्लीयर ए आस ट्वेंटी एट करके दे आसी जातु देन यहाँ आस कर दिस इज योर अपोजिट सॉरी दिस इज अपोजिट करके आसान अपोजिट अपोजिट टर्म यार भी अपोजिट टर्म किए आस कर क्लीयर अच्छी देन नेचर अपोजिट से आस जातु तीस रु बतीस से देखिए देख वन डाउट देखिए वन दे थ्री देखिए ट्वेल्व देखिए ट्वेंटी फाइव देखिए एंड फोर्टी एट देखिए यहाँ को नहीं जा क्यूब माइनस जीरो मानते वन स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर कले आस टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर जी कर थ्री देन फोर स्क्वायर माइनस यदि टू स्क्वायर जी करूँ षोलो है आसीज के बार तार आस स्क्वायर माइनस करदे के छत्तीस तीन स्क्वायर करदे नौ बाहर गला जोटा कि आसा कथा सतैश आसा कथा बट ये पचीस अच्छी तेने यहीटा ही अड़े कि बाहर तापर देखा आठ स्क्वायर माइनस यदि करोर स्क्वायर आठ स्क्वायर के सिक्सटी फोर माइनस करी षोह ताने फोर्टी एट बाहर ना इस बाहर ताने ये साटिस्फाए करें यही बाहर गला अड वन आउट है पचीस तो फर्माट हूँ यहीटार आसो क्लीयर देन चलते नेक्स्ट वन को जी नेक्स्ट वन के देखी ना थर्टी वन थर्टी वन देखी ना कौन देखिए डिफरेन्स नहीं जातु दिस इज योर डिफरेंस आसो तुम पाखे ट्वेंटी एंड द नेक्स्ट डिफरेंस आसो ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट डिफरेंस आस थर्टी तो मैंने यहाँ आसा कथा थर्टी फाइव जब डिफरेन्स आसो ये माइनस फाइव आसो माइनस फाइव रू जब मुझे पुणी माइनस फोर्टी करुच्ची तेज़े माइनस फाइव माइनस फोर्टी माइनस फाइव माइनस फोर्टी तो वैल्यू विल भी फोर्टी फाइव तेज़े एनसर इज सी बाहर यहाँ हवा कथा माइनस फाइव बट ये जीरोटा हूँ अड करके क्लीयर सब डिफरेन्स बाहरी जाइए माइनस माइनस करपटा को आसतु यहाँ भी देखी ना यहाँ भी आम और डिफरेंस रे बाहर यहाँ डिफरेंस रे केते बाहर आम पाखे डिफरेंस बाहर ये सिक्सटी सिक्स डिफरेंस बाहर यहाँ फिफ्टी फाइव बाहर यहाँ फोर्टी फोर बाहर यहाँ थर्टी थ्री बाहर यहाँ ट्वेंटी टू बाहर यहाँ इलेवेन बाहर कथा इलेवेन बाहर नाइंटी फाइव हवा कथा जोटा कि भूल अच्छी सीट आस नाइंटी अच्छी तो डी आसो एनसर करके क्लीयर ये भी सब डिफरेन्स बाहरी देन आसी जातु सी कौची जदि यहीटा को आसवा सी कौची देख ना रिलेटेड टू रबर कही लास्ट रिलेटेड टू रबर कही फ्लेक्स फ्लेक्सटा हूँ लिलीन करके आस प्रिंट हुए हूँ लिलीन करके आस क्लीयर देन चलते नेक्स्ट वन को जीवा से कही सर्टेन कोर्स से कही चलते जी ओ ए टी इक्वल टू के फोर्टी फाइव से कही जी ओ ए टी इक्वल टू जब फोर्टी फाइव हूँ जी है सेवेन ओ है पंद्रह एक ये कोड़े एक जी सब मिसई दौने ये बाहर आठ है तेईस ये है प्लस कोड़े मैंने फोर्टी थ्री प्लस टू जब करोटी फाइव बाहर सिमिलरली बोर्ड को नहीं जीवा ताने बी रही है कैसे देखी ना बी ओ ए टी जी ना बी बाहर दुई ये बाहर पंद्रह एक ये कोड़े सब जब मिसान ये बाहर कैसे करी अठर कोड़े हूँ थर्टी एट प्लस टू करेंगे फोर्टी बाहर तुम पाखे एनसर ए करके आस क्लीयर अच्छी नेक्स्ट वन को आसतु नेक्स्ट वन को आसूँ ये पूरा डायरेक्ट लिखाई देखी ना टी यू टी ओ आर आई ए एल एपटे लिखाई डी ओ डी एन जी एल सी एफ तेज ये सब डायरेक्ट कोडिंग ही अच्छा ए एन सी ई अच्छी इज कोडेड एज वाई सी जे एम जेड अच्छी तेज यार जो पचारि या कोड जी ना भी ईपाई क्या नहीं जेड नहीं देखी ना ईपाई आस जेड डी आस आस वाई यूपाई आस ओ सी आस देखी ना सी आस एम देन ए पाई किए आस देखी ना ए पाई आस आई आस एल ओ पाई आस एन देन एन पाई आस जे एटा कौ ऑप्शन अच्छी जी आम देखा देन देखी ना जेड वाई ओ एम ओ सी एल सी सी बोधे ये नहीं जानते गोटे दीटा तीन टा चार पांचटा छा टी आम भूली जाइए टी टा ये रही है डी ओके ताने सी एल डी एन जे करके बाहर दैट मीनस ऑप्शन आसीज तुम पाखे ऑप्शन इज आसीज तुम पाखे दुई करके आस देखी ना जेड वाई ओ एम सी डी एल आसा भूल लिख दीजिए आम डी एल आस एल एन जे करके आस ओके तो डायरेक्ट कोडिंग तो एनसर अनुसार बाहर क्लीयर अच्छी तो चलते जा नेक्स्ट वन को नेक्स्ट वन से कही देखिए डोर ऑफ आदित्य हाउस फेसिंग द ईस्ट
ता डोरटा ईस्ट को से फेस करथिला फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस ही वाज वॉक स्ट्रेट ता बैक साइड रे माने एपडु चालिबो स्ट्रेट ता बैक साइड माने कोड वेस्ट को चालथिबो केते करकी 50 मीटर देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 50 देन राइट को जीवो केते करकी 50 मीटर जीवो मीटर अगेन देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर अगेन ओके फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड स्टॉप्स सम वॉकिंग केते देची 25 मीटर देची वॉकिंग नाउ आदित्य इज इन व्हिच डायरेक्शन द स्टार्टिंग पॉइंट द स्टार्टिंग पॉइंट रु को डायरेक्शन ल अछि देखिन स्टार्टिंग पॉइंट जे दिबा एटा हमर होची नॉर्थ एटा होची वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रे आसीबा देन आंसर आसी गला डी करके 36 रा देन आसी जान तो नेक्स्ट करके आसी जान तू से अबे कहि छी देखनो मैन इज फेसिंग टुवर्ड द वेस्ट एंड टर्न टू थ्रू केते देची एटा होची 45 डिग्री इट्स ए 45 डिग्री एटा टिके भूल टाइप हे जी इट्स टाइपिंग मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड तो एटा होची 45 डिग्री एटा होची 180 डिग्री ता देखिनो तो से गोटे डायरेक्शन माने क्लॉकवाइज रे गला 40 फुनी क्लॉकवाइज रे गला 80 माने सॉरी को 40 को जी 45 80 तन टोटल गला 225 फुनी एंटी क्लॉकवाइज आसी जी 270 तन 225 माइनस जदी ने भी 270 आसे माइनस 45 तन ता फेस क्वाड थिला वेस्ट वेस्ट थिला माने वेस्ट होची एपटा होची वेस्ट माइनस माने एपडुक आसीओ माइनस 45 आसीओ माने साउथ वेस्ट रे आसीबो आंसर एटा साउथ एपटुक आसी जीओ माइनस 45 हे जीओ साउथ वेस्ट आसीबो आंसर करके क्लियर तापर आसी जानतु तापर देची इन ए रो ऑफ 30 बॉयज आर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड एन ए डब्ल्यू इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट एंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बिटवीन ओके तो बॉयज अछन 30 आर अछि केते देखिनंतु आर इज राइट आर अछि राइट रो अछि फोर्थ देन डब्ल्यू अछि 10th रो अछि तो देखिनंतु एई दि जंगर एडिशन वैल्यूटा जदि टोटल लु बडा हे जीव तान माने ओवरलैप करि जीवे जदि दि जंगर एडिशन वैल्यूटा टोटल लु कम होबा तान माने एई भलिया फॉर्मेट रे रहिबे तान 10 4 14 त कम हे गेला 30 रु त माइनस करे जंतु वैल्यू बारे में 16 तान आंसर बारे ला 16 जदि असे एक्सीड करि आइ थांदा तान जोटा एक्सीड कला एक्स एक्स माइनस टोटल नंबर जिमती नै थाने एक्स माइनस टोटल नंबर माइनस उठे 2 हे थांदा इन बिटवीन बट एडी इन बिटवीन हेनी त केसी टेंशन नबारा नाइ चालन तो नेक्स्ट वन को जिबा सेडी कहि केतरा रहिबो ओके आसी जान तो 1 2 3 4 सॉरी एपडे 3 एपडे 3 तन 3 इनटू 3 बाहर गला केते 9 ये बाहर देखिनो तो गोटे 2टा 3टा 4टा 5टा या तळु को गोटे थिबो से बाहर गोटे 6टा 9 6 15 क्लियर चालन तो जीवा नेक्स्ट वन को से बे कहि छी देखिनो तो से कहि छी 2 पोजीशन से पचारि छी कहार ऑपोजिट पचारु छी 2 रो ऑपोजिट पचारु छी ए दिटा को नै चालन तो 4 1 4 1 कॉमन अछंती त 2 रो ऑपोजिट 6 बाहरिबो क्लियर या अदरवाइज भी तमे नै कि गले ए दिटा को भी नै कि आंसर आइ पारिबो कॉमन कि अछि 6 6 हैला फर्स्ट डाइस रे त 4 1 ये हैला 3 5 3 ल 4 1 रो 5 त 2 रो 6 से पडे भी गले भी आंसर बाहरिबो क्लियर चालन तो जीवा नेक्स्ट डाइस को पर नेक्स्ट क्वेश्चन को से को जी नंबर 41 एंड 42 तब देई छी दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द 5 वर्ड ओके ई वर्ड आ देई छी से कह छी इफ द थर्ड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट ओके चेंज टू द कोन देई छी से के देई छी नेक्स्ट अल्फाबेट कर के से हमहु ओ देई छी ओके से कोन देई छी हम पाखने नेक्स्ट अल्फाबेट देई छी आ द कोटा थर्ड जेदि द आउ छी अल्फाबेट आ इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर देन हाउ मेनी वर्ड दस फॉर्म हैव मोर देन 2 वोवेल मोर देन 2 वोवेल से कहि ओके देखो थर्ड लेटर को चेंज करिया तने यार थर्ड लेटर टा चेंज हेले के भी वोवेल ना यार थर्ड लेटर चेंज हेले ई बाहर हो तने दीटा वोवेल हो मोर देन 2 होबनी यार वोवेल टा तो गोटी अछि चेंज हे गेल होबनी यार वोवेल गोटी अछि जेदी भी एटा को भी चेंज करू छी देन भी होबनी यार तो वोवेल गोटी अछि चेंज हेले होबनी सहीला तने आंसर बाहर जीव नॉन त थर्ड लेटर को चेंज करले मोर देन 2 के भी नाहंती एबे आसी जानतु से एबे कोन कहिथिला इफ द गिवन वर्ड आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वर्ड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके तने इंग्लिश डिक्शनरी अनुसार सीपीयू आसीबो ए तापर आसीबो कोन कोन एमओडी आसीबो तापर आसीबो आर ए एम आसीबो तापर आसीबो एस एच ई आसीबो तापर आसीबो टी ई टी एच ई आसीबो से कहिछि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट विल बी अछि केते देखिनो तो सी बट एटी ऑप्शन लेही नाही द पॉइंट इज दैट क्वेश्चन रॉन्ग नाही बट ऑप्शन एठी रॉन्ग अछि त सेति पई कैन नॉट बी आंसर आमे यार आंसर देई परबा नाही अगेन आई रिपीट ए क्वेश्चन ऑप्शन
भूल अच्छी क्वेश्चन परफेक्ट अच्छी बट ऑप्शन ले जहां बाहर उची से जिनस नाही तो दैट इज रॉन्ग क्वेश्चन बोली भी हमें कही पारी बा इज दैट क्लियर सेट ए रो 42 नंबर जोडा अच्छी सेटा इज ए रॉन्ग क्लियर देन चालन तो जीवा नेक्स्ट वन द आंसर इज सी बार वैसे ही ई करी बारी द नेक्स्ट क्वेश्चन असन तो देखिन तो क्वेश्चन नंबर 10 इज रिपीट ऑन क्वेश्चन नंबर 43 इट द सेट नंबर ए अगेन सेट नंबर बी रे भी सेम अच्छी सेट नंबर सी डी सब जगह रे दीटा क्वेश्चन रिपीट अच्छी ताने देखिन तो से माने गोटे क्वेश्चन भूल देले आ गोटे क्वेश्चन को तुमको बोनस हिसाब रे सेम दे देले यदि तुम 10 नंबर ठीक करथिबो देन डेफिनेटली तुम 43 भी ठीक करि दबो यार फॉर्मेट हमें जानी सचंदी कौन ए दीटा का डिफरेंस को नबा तार स्क्वायर नहीं कि मल्टीपल 2 करे दबा क्लियर अच्छी देन चालन तो नेक्स्ट वन को जीवा इट इज द नेक्स्ट वन देखो देख ये क्वेश्चन को यदि तुम देखिबो ये क्वेश्चन क्लास रे मैक्सिमम टाइम्स कराई छी आउ मटेरियल ले भी क्वेश्चन गिवन अछि करा है छी बुक रे भी अवेलेबल अछि बानिक बुक रे भी ए क्वेश्चन अवेलेबल अछि क्लियर त चालन दो एडा होछि आर ई क्यू यू ई एस टी यदि हमें नहीं की जीवा एपटा नहीं की जीवा एक्स 2 आर देन 5 देन 2 देन टी देन यू दैट इज द भावेल उडा सब माने भावेल अनुसार अरेंज है जनी ए ई आई ओ यू तने 1 2 3 4 5 तने अरेंज है जनी 1 2 3 4 5 सेति पई ई 2 एटी बसला ई 2 यू 5 तने आ गुडा सब रहिले कंसोनेंट से उडा सब प्लस 1 अछंदी ता माने ये भी से हबो एटा भावेल अछि तने 1 रहइबो 1 1 1 ता माने एटा जे भावेल अछि सेटा 1 आसीबो क्लियर तापर अछि सी टा कंसोनेंट डी आसीबो देन आई टा भावेल अछि 3 आसीबो देन डी टा कंसोनेंट छि प्लस 1 कि ई आसीबो 1 डी 3 ई 1 डी 3 ई 1 डी 3 ई तो देखिनो तो 1 डी 3 ई से त जाई परिवा नी बट एटा को हम ऑप्शन हिसाब से चूज कर परिया दिस इज एटा को 1 बोली कंसीडर करबा बट एटी गोटे 1 गोटे लेखा आइ छि जो फॉर्मेट रे बट एठी 1 टा को जस्ट खाली सिंगल गोटे लाइन दे दे छथि तो एको क्वेश्चन ऑप्शन मे बी टाइपिंग मिस्टेक बोली कहि परिवा फ्रॉम द को साइड देखिनंदु आम साइड रो किछि टाइप रो भूल भाल हेइनी टाइप आम साइड रो ठीक अछि परफेक्ट अछि फ्रॉम द बानिक साइड टाइप जहां भी भूल हेइ छि सेटा आसी छि को साइड रो देखिनंदु एग्जैक्टली सेट रो भी सही फॉर्मेट रे ही लेखा आइ छि क्लियर तो एटा को 1 लेखा बा कथा जोटा कि सिंगल लाइन अछि वी कैन कंसीडर आल्सो 1 नो इशू देन आंसर इज आसीबो डी ओके देन आसी जान तो नेक्स्ट वन को द नेक्स्ट वन को आसी जान तो से कोन दै छी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ इट मैक्सिमम पिला भूल करिके आस्तिबे मु गारंटी देकी कहू छी मैक्सिमम पिला नीस मारिके आस्तिबे आंसर बोली बट नीस हबनी एठी आसीबो डी हाउ देखो तुम केमती कहू छी त से कहै छी नंदिनी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदन सिस्टर्स संगीता ब्रदर त से कहू छी नंदिनी इज द ओनली डॉटर से कहै छी नंदिनी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदन सिस्टर तन मदन सिस्टर अछि त एटा को ऊपर को हमें नहीं जीवा मदन सिस्टर तन मदन ला सिस्टर्स संगीता ब्रदर ओके आसो नंदिनी इज द ओनली डॉटर नंदिनी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदन सिस्टर संगीतास ब्रदर तन मदन ला सिस्टर जे संगीता चिता भाई रो गोटे बुली झियला नंदिनी जेदि हम ए डायग्राम टा को ड्रा करू चंती से कह हाउ इज नंदिनी रिलेटेड टू मदन नंदिनी इज नीस काइना मदन ला भाई रो झियो बारुच तो मे भी एमी देई पारे ए जो मदन जी अछि से मदन हमर एटी भी बसी पारे ना कोन कहै छी नंदिनी झियो हब कहार मदन सिस्टर संगीता रा भाई रा क्लियर बुझे ला म कया था एही अकॉर्डिंग टू तने कोन आसी जीवो हाउ इज नंदिनी रिलेटेड टू मदन इज डॉटर तने आंसर इज डी आर यू क्लियर आंसर इज डी काईना हमहु को कंफर्म करा हैनी कि जो मदन सिस्टर संगीता तार केतडा भाई अछंती बोली दीटा की गोटे मे भी मदन निजे ता भाई हेई पारे मे भी ता भौणी हेई पारे बा तार आउ के भी भाई हेई पारे क्लियर देन आसन तो जीवा नेक्स्ट वन को नेक्स्ट वन इज देखिनो तो एटा पूरा कॉपी पेस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ
बानिक जदि कहबी देन भी किछि भूल हबनि एरा पूरा डिटो क्वेश्चन अछि क्लास टेस्ट 1 ले क्वेश्चन कराइ छी देन आसी जानतु नै कि जीवा यार जदि नै कि जीवा एडी देखिनो त हम जानचनी वाटर इमेज सब जिंस कांस्टेंट रहइबो त टीटा कांस्टेंट नै रहइबो बट लास्ट टू आसी जीवा कने स्टार्टिंग रह छी टी अल्टरनेट अछि कटि गेला एटी एन अछि कटि गेला एडीटा अगर कंपैरिजन करू एटी ए अछि एटी 4 अछि त एटी जदि 4 अछि त एटी भी 4 रहया कथा त हमरा ऑप्शन केते आसीबो हम पखरे त 4 रहया कथा रही छी त यस तने एटी ऑप्शन हम पखरे हे के आसीबो देखिनो त डी करिके आसीबो आंसर कने एटा सैटिस्फाई करछि एटा 1 अछि त कटि जीवो कने एटी 4 अछि माने एटी 4 अछि तने आंसर आसीबो डी करिके क्लियर अछि त नेक्स्ट को आसंतु नेक्स्ट से यार कहि छी जदि या को जदि वाटर इमेज कहू छी त हमने ई जो लाइन ल वाटर इमेज एही भलाई रहइबो एटी गोटे ही फिगर अछि से होछि ए ए का पकर अछि ए रे अछि क्लियर देन चालन तो जीमा नेक्स्ट वन को से यार कहि छी यार जदि कहि छी मिरर इमेज कहि छी एही जिंसटा को दे जे नै कि जीबा मिरर जे इमेज अनुसार त हमने एही डॉट ता एही साइड रहइबो ए गोटे रे ही अछि कोठी नै त ए अनुसार ए आसीबो फिगर क्लियर देन चालन तो नै कि जीबा का पकु को एडी नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल ओके अगेन ये क्वेश्चन भी बाणिक रे पड़ी छि ये क्वेश्चन बाणिक रे मैक्सिमम पड़ी छि मिनिमम टू मिनिमम जदि मु कहि पारिबी ताने 2 टू 3 टाइम्स पकाई छि यार डिफरेंट डिफरेंट एंगल ले हमे क्वेश्चन देइथिलु फाइंड आउट द स्क्वायर फाइंड आउट द रेक्टेंगल भी दिया छि टिके मॉडिफाई हेतला आउ गोटा गोटा लाइन ऐड कराइतला या देरे दियाइतला क्वेश्चन क्लियर तो एटी आसी जा तो केतरा से कहू छी रेक्टेंगल तो ए पार्ट को जदी हम आगे नै कि जीवा जदी फर्स्ट पार्ट को हम जदी ए पार्ट को जदी आगे नै कि जीवा त रेक्टेंगल मु बाहर करबा सिखै थिली ओटे शॉर्ट वीडियो थिला ता दरे मु कहि छी केमिति कोन रेक्टेंगल बा स्क्वायर बाहर त नैटा को नै जीवा 1 2 त 1 र क्यूब प्लस 2 र क्यूब त बाहर गेला मो पखर केते करि बाहर गेला जदी नंबर्स ऑफ रो कॉलम इक्वल अछि त 9 त बाहर गेला देखिनो तो एटा बाहर गेला मो पखर एटी बाहरबो 9 एबे नै कि जीवा एडा को नेकी जीवा गोटे एडा को नेकी जीवा दीटा एडा को नेकी जीवा तीनटा देन एडा गोटे बाहरिबो चारटा एडा गोटे बाहरिबो पांचटा फूनी एडा गोटे बाहरिबो छटा करकी सीए बाहरिबो छटा बट एपडे भी सेमती बाहरिया कथा गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा तमे को सर एडा छटा एडा केते थरो काउंट करबी कॉमन हे जाउची त सेति पई नै चालंतु 6 प्लस 5 11 11 9 बाहर गेला 20 क्लियर चलन तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही छी क्लॉक र से पचारी छी इट्स ए वाटर इमेज या मिरर इमेज पचा छी त मिरर इमेज पचा छी बट कहते देखे तो क्वार्टर पास्ट 3 कह छी क्वार्टर पास्ट 3 माने 3:15 क्वार्टर पास्ट 3 माने 3:15 तन केतटा रु सबट्रैक्ट करबी 11:60 रु सबट्रैक्ट करबी 3:15 3:15 कले एटा होची 45 एटा होची 8 8:45 तने आंसर आसीबो सी क्लियर ये क्वेश्चन भी रिपीट है छी बहुत थरे टाइप रो क्वेश्चन दिया छी कहिता कले एग्जैक्टली ही क्वेश्चन ही दिया छी बाणी पे कंफर्म तो 50 को 50 टा क्वेश्चन मु सॉल्व करे देली क्लियर अछि तो गोटे क्वेश्चन त मोर भूल थिला गोटे क्वेश्चन रिपीट है थिला क्लियर आई होप समस्त भलो करके आसी थिबो आ बार बार रिपीट करू छी नियर अबाउट जदि मु काउंट करबी 10 लु 15 या 15 लु 20 भी कहते गले भी किछि मु भूल कहू नाही क्वेश्चन आसी छि डायरेक्ट बानिक मटेरियल लु जोटा कि आमे प्रोवाइड करू छु क्लास रे क्लियर आ जदि बही ऊपर को जिबी ता धरे भी 4-5 टा क्वेश्चन भी आसी छि कोटु आसी छि दैट मींस जोटा क्लास टेस्ट से दियाउ छि आ तमे जो मार्केट रे जो बही जो जाई छि बानिक रो से जदि बही को भी तमे जदि सेट जदि थरे भी जदि सॉल्व करि थान त तन ये क्वेश्चन सब करि पाथान तो इवन तमे एबे भी जाई कि जदि देखिबो तमे सब डिटो क्वेश्चन ता भीतर पाइया पई पाइबो बट एबे देखि किछ लाभ नै जो टाइम रे देखिया कथा से टाइम रे तो बाबा देखिलानी तो छाडंतु तो आई होप सब माने एग्जाम भलो करि के आसीतिबो थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव ए गुड डे वेलकम टू बर्निंग स्मार्ट क्लास मायसेल्फ अनिल कुमार छुरा फैकल्टी ऑफ एफटी टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द एफटी पार्ट ऑफ सेट ए तो मैं आज आपकी जो सेट ए का डिस्कशन लेने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ सबने अपने बेस्ट दिए होंगे ऑल ऑफ यू हैव डन योर बेस्ट लेट्स सी हुच नंबर इज कमिंग और नॉट तो देखो सबने अपना बेस्ट दिया ये बात सब जानते हैं लेकिन देखते हैं किसका नंबर आता है किसका नंबर नहीं आता है लेकिन जिसका नंबर नहीं आता है वो अपना उम्मीद मत छोड़िएगा अगले की तैयारी करिएगा नेक्स्ट 23 में ही आने वाला है एएसओ का
जो वैकेंसी है उसमें अपना बेस्ट दीजिएगा, निराश मत करने का, मतलब निराश बिल्कुल भी मत होना। तो देखो, और जहाँ तक पेपर की बात है, पेपर का लेवल मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि कुछ भी नहीं है। अगर आपको 1.5 घंटे मिला है मैथ रीजनिंग के लिए, तो मैं इन 1.5 घंटों में 80-90 प्लस क्वेश्चन आदमी अटेम्प्ट कर सकता है, यदि वो अपना प्रैक्टिस बेस्ट किया हो तो। और क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, हमने जो पिछले 2 सालों में आपके साथ जो मेहनत किए हैं, जितने भी ASO का हमारे जो टेस्ट दिए हैं, उन टेस्ट से 100% क्वेश्चन उठ के आया है। कोई एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बच्चे तुम दिखा दो, जो हमारा सेट से नहीं था। 100% क्वेश्चन सब कुछ, सब AGT उठ के आया है। और ऐसे भी पिछले 2 दिनों से, मैंने लास्ट क्लास में भी ASO का कुछ तुम्हारा सिमिलर क्वेश्चन लिया था, उनमें से 2 क्वेश्चन था वो सेम टू सेम इस बार मिला है 2 दिन पहले। और 2 दिन पहले जितने बच्चे ऑनलाइन थे, उन सभी को, उन लोगों को सेम टू सेम क्वेश्चन मिला है। बाकी काम तो छोड़ दो, मैं 2 दिन पहले 2 क्वेश्चन डिस्कशन किया था। तो देखो, आज हम ASO का जो मैथी पार्ट है, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 1.25 घंटे में हो जाएगा। 2 घंटे का टाइम है सॉल्व करने का, लेकिन 2 घंटे में नहीं लूँगा डिस्कशन, 1 घंटे ही मैक्सिमम लूँगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। तो FT जो पार्ट है, वो FT पार्ट इसमें है क्या? तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, पहला क्वेश्चन देखो, ये सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर एलसीएम लेना नहीं पड़ता, ये ऐसा सीरीज है बच्चों, जिस सीरीज में उसका गैप देखना है। गैप कितना है? 1/2। इसका गैप जो है बच्चों 1/2 है। यदि गैप 1/2 है, तो डायरेक्ट उठाओ बच्चों, पहला 1/1 और आखिरी 1/9। 1/1 - 1/9 पूरे क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यही देखो, 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, उनका डिफरेंस ऊपर। डिफरेंस 8 है, उसका मल्टीप्लाई 9 है, 2 से कट गया तुम्हारा 4। तो 4/9 इसका आंसर है, 4/9, डी ऑप्शन। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, 52। उस 52 में देखो, क्वेश्चन के अंदर, मतलब मेरे कहने मतलब क्या है, मैंने तुम्हें कई बार पढ़ा चुका था और कई बार बोल चुका, डिफरेंस कुछ भी हो, क्या है, डिफरेंस कुछ भी हो, यदि क्वेश्चन तुम्हारे सामने डिफरेंस का आता है, कुछ भी आता कोई क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 1/1 × 4 होता, ठीक है, 1/1 × 4 होता, प्लस 1/4 × 7 होता, ऐसे तुम्हारा जो क्वेश्चन आखिर में 1/20 × 23 होता। तो इन सभी का डिफरेंस कितना है बच्चों? डिफरेंस हमारा 3 है, तो 1/3 लेना, वही तुम्हारा पहला 1/1 है और आखिरी कितना है, 1/23 है। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 1/3 तो रहेगा, दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई नीचे आएगा, 3 से कट जाएगा तुम्हारा ये 7/13। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों हमेशा क्या लेके चलते, डिफरेंस लेके चलते, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस लिखो और पहला टर्म को आखिरी टर्म को उठा लो, क्वेश्चन कैसा हो तो ध्यान दो, क्योंकि एक सीरीज में होता है, एक सीरीज में होता है। 52 में देखो, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर, जो 6 और 12 से कट जाए, 6 और 12 से कटने वाली जो संख्या है उसका एलसीएम क्या है बच्चों? उसका एलसीएम 6 और 12 से कटने वाली संख्या कौन सा है? 12। इसका मतलब 12 एक 2-डिजिट नंबर है, हमें 3-डिजिट नंबर चाहिए, तो इसका मल्टीपल ऐसा कर लो जो 3 अंकों का बन जाए। तो वो छोटा क्वेश्चन है, उसका मल्टीपल कर सकते हैं, 12 से 8 बार जाएगा तो 96 आएगा, लेकिन इसमें 3 डिजिट जाइए तो 9 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 108। 108 ऐसा नंबर है जो 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। तो देखो 108, ए रहा हमारा सी ऑप्शन। अगला 53, इस 53 में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द SCF। SCF में क्या होता है बच्चों? SCF जो हम लेते हैं, तो SCF में ऊपर वाले संख्या का SCF लेंगे, इसका SCF जाएगा और नीचे वाले संख्या का LCM जाएगा। ऊपर क्या जाएगा? SCF और नीचे का जाएगा LCM। ये हमारा SCF LCM होता है। यदि मुझे LCM लेना होता, ऊपर LCM नीचे SCF, ऊपर का संख्या जो नंबर है, तो बताओ ऊपर का जो नंबर SCF क्या है? इन सभी में जो कॉमन संख्या क्या है? 1, 2, 3 के अंदर एक कॉमन है। LCM क्या है? 5, 7, 11 का है। LCM का मतलब वही है जो तीनों कट जाए। यदि तीनों प्राइम नंबर है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही इसका LCM है, तो इसका मतलब 5 × 7 × 11 और 5 × 7 × 11 होगा 7 × 5 = 35, 385। तो 1/385 इसका SCF था। यदि हम उसका LCM लेना होता, तो LCM ऊपर होता, नीचे SCF होता। तो देखो अगला क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, हार्डली 5 से 6 सेकंड लग रहा है,
पाँच से छः सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम करें तो पॉइंट, तुम्हारे पॉइंट के बाद दो संख्या है, मैं लिख सकता हूँ 3/100। पॉइंट के बाद चार संख्या है, मैं लिख सकता हूँ 165। उससे पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है और हमारा क्या है 1000, मतलब तीन कितनी संख्या, चार संख्या, चार जीरो लगा दी मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 180 मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 300 मतलब 6 × 18 थे आएगा तुम्हारा 5 × 3 = 15, 1 × 6 = 18 = 19, 1 × 3 × 4 = 4, ये तुम्हारी संख्या आ गया कितनी जीरो, 6 जीरो आया। तो नीचे 6 जीरो आया बच्चों, यदि नीचे 6 जीरो आया तो मैं कह सकता हूँ, देखो नीचे 6 जीरो है, 10^-6 क्या है, -6, 10^-6 नीचे 6 जीरो आया। लेकिन इस ऑप्शन में देखो ये ऑप्शन के अंदर था ही नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट के बाद दो संख्या दिया है, यदि पॉइंट के बाद दो संख्या दिया है तो इसका दो को हम इधर ले आएंगे, 2 जीरो नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो कितना आएगा 4.95 और जो 10 क्या होगा 4 हो जाएगा, मतलब जो 2 जीरो नीचे था बच्चों 2 जीरो को पॉइंट लग गया, मतलब 2 जीरो कम हो गया, 6 में से 2 जीरो कम हो गया। हो रे भी, और नीचे क्या दे रखा ए बी दिया है, और ए बी से भी कट गया बच्चों, सीधा हमारा आंसर 4 है। यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए ए है ए बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का ठीक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, 4 आ गया। ओके अगला 56 में देखो बच्चों, इन दोनों संख्या का बार को जोड़ना है, लेकिन ये जो बार है बच्चों दो संख्या में है, ये बार नहीं है, मतलब यहाँ से बार नहीं है, यहाँ से बार नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक बार है, यहाँ से यहाँ तक बार है, ऑप्शन के अंदर बच्चों यहाँ से बाहर बार नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक बार है, ये बार सब यहाँ से है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे है बच्चों जो गलती आए हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बिल्कुल गलत है, जिसके अंदर या तो क्वेश्चन गलत है या तो ऑप्शन गलत है, कुछ का आंसर सही है तो उसमें ऑप्शन नहीं आता, किसका ऑप्शन सही तो उसका आंसर नहीं आ रहा, मतलब क्वेश्चन गलत है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें अगर अटेम्प्ट किए हैं हो सकता है तुम लोग ग्रेस मार मिलेगा, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उसका नहीं मिलेगा, ये चांस है ठीक है, होता है जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर ये गलती था तो बार पूरे में लगा हुआ है, तो इसको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने का तरीका बताता हूँ, बार जोड़ने का तरीका, पहले देखो यहाँ शुरुआत में पहले पॉइंट है मतलब 0 है, मतलब पॉइंट है, पॉइंट से 2 संख्या, कितने संख्या है 6/8, ये भी 6/8 है, ये भी 6/8 है, जल्दी करने का तरीका, यहाँ फिर इसी बार है, पॉइंट के बाद दो संख्या है, पॉइंट के बाद क्या है 0 पॉइंट है, कितना है 7/3 और 7/3, यदि इन दोनों का सम करूँगा बच्चों 8 × 3 = 11 एक आया, 6 × 6 = 13 = 14 आया, एक हाथ में बच गया, 8 × 3 = 11 = 12 कितना 12 ठीक है, 12 हाथ में एक, 6 × 6 = 13 = 14 और जो एक है वो तो कैरी फॉरवर्ड हो गया ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो गया, मतलब इस संख्या को मत लेना, अब तुम्हारे सामने आएगा 1.42, ये तुम्हारा बार का है, बार के अंदर है, बार के अंदर 1.42, मतलब ये पूरे संख्या बार नहीं था, ये 1.42 इसका आंसर है। एनी बार को बच्चों तुम ऐसे जोड़ सकते हो। ओके देखो अगला 57 में क्वेश्चन के अंदर देखो, 57 क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं इसका टाटस तो है नहीं, देखो 2 numbers are 20% and 40% more than the 3rd number. 3 number को हम क्या लिख सकते हैं, 3 number हमारा ए बी सी है, 3 number उस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है जो 2 number है वो 20% 40% more than 3rd number, 3rd number अगर 100 होगा तो 2 number क्या होगा, पहला वाला 120 होगा ज़्यादा है, दूसरा वाला कितना होगा 140 है। क्वेश्चन में बच्चों इन दोनों का उसने रेशियो पूछा है, इन दोनों का रेशियो 0 0 कट गया, तुम्हारा 6 आ गया, तुम्हारा 7 आ गया, रेशियो कट गया, 20 से कटेगा 6 बार, 20 से कटेगा 7 बार ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। ओके नेक्स्ट वन, फिफ्टी एट देखो, ए फ्रूट सेलर हैज सम रेंज, सम ऑरेंज, ही सेल 30% ऑरेंज, उसने 30% बेच दिया तो बचा उसके पास 70% बच गया। क्वेश्चन के अंदर कह रहा कि उसके पास जो बचा है स्टील हैज, जो उसके पास अभी भी बाकी है वो कितना है 140 है, तो मैं कह सकता हूँ बच्चों जो 70% उसके बाद बाकी है वो 70% कितना है 140, तो उसके बाद पहले कितना था 100% था
यही तो है, यदि 100% होगा तो देखो 100% कितना होगा, शून्य शून्य कट गया, सात का दुगना, तो इसका दुगना करेंगे कितना आएगा, 200, नहीं शून्य शून्य, एक शून्य शून्य काट दूंगा सब में मैं, तो इसका दुगना आएगा, सात का दुगना 14, सोना सोना काट दूंगा मैं सब में, शून्य अगर काट दूंगा तो सात का दुगना कितना है 14, तो 10 का दुगना कितना होगा 20, लेकिन जो शून्य मैंने काटा तो सब में लगा दूंगा मैं शून्य, कितना आएगा 200, बस कंपेयर किया मैंने 59 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 ऑरेंज आर बॉट फॉर 10 रुपीज, उसने कहा कि जो खरीदा उसने उसे 8 टिकील है, मैंने क्या ले लिया उसका 8 टिकील, और जो उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस 8 टिकील कितना है, 8 टिकील उसने बोला है 11, 8 टिकील 11 है, प्राइस कितना है, प्राइस उसका 10 है, प्राइस कितना है बच्चों 10, और उसने बेचा रिवर्स में 10 8 टिकील 11 में, कितने में 11 में, देखो इस क्वेश्चन के अंदर उसका भाव है और नंबर ऑफ आर्टिकल उसके पास बहुत सारे हैं, लेकिन उसका भाव में खरीदा, दो की तीन, जो दो की तीन होता है, जो कस्टमर उसमें बहुत सारी क्वांटिटी खरीदता है, और लेकिन जितना खरीदता है उतना बेचता भी है, तो देखो यहाँ हमें क्वांटिटी नहीं, मतलब आर्टिकल सेम करना पड़ेगा, आर्टिकल सेम करने के लिए यदि मैं इसको 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब है बच्चों 10 आर्टिकल या 11 आर्टिकल 10 रुपये में खरीदेगा तो 100 कितना आया, 110 आर्टिकल कितने में खरीदेगा, 100 में खरीदेगा, यदि इसका भी सेम करना पड़ेगा तो उसको 11 को यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 121 आएगा, तो मैं कह सकता हूँ 110 आर्टिकल उसने 100 में खरीदा, प्राइस कितना है 100, 110 आर्टिकल उसने कितने बेचा 121 में, लाभ कितने का हुआ उसका 21 का, किस पर लाभ हुआ 100 पर, 100 का 21 कितना है 21%, जो 21 है बच्चों कितने 100 का कितना परसेंट मतलब 21% आएगा, 21% आएगा, देखो नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर टू ईयर बच्चों क्या है, फॉर टू ईयर्स के लिए क्या होता है, जो हमारा डिफरेंस होता है सीआई और एसआई का, वो तुम्हारा आर का स्क्वायर होता है, सिर्फ आर का स्क्वायर, और जो तुम्हारा प्रिंसिपल होता है वो हमेशा ध्यान रखना बच्चों 40, ये दोनों बातें ध्यान रखना जो बता रहा हूँ मैं, कई बार क्लास में बता चुका हूँ, कई बार जब पढ़ाता हूँ बताता हूँ, 2 साल का डिफरेंस यही है और 3 साल का जो डिफरेंस होता है वो 3x+1 होता है, अगर 3 साल का होगा तो, और प्रिंसिपल तुम्हारा एक्स का क्यूब होगा, ठीक है, तो देखो मैं पहले 2 साल बता देता हूँ, तो देखो उस क्वेश्चन में क्या देखा, डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस दिया है बच्चों 2.5, रेट कितना है 2 साल का 5, तो आर कितना होगा 5×5, क्योंकि डिफरेंस है, ये डिफरेंस के बराबर, जो संख्या जिसकी बराबर उसे भाग कर देते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, और हमें कितना चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो सीधा हमारा क्या आएगा बच्चों, जो हमने मल्टीप्लाई किया वही आएगा, इस पॉइंट के लिए बच्चों शून्य खत्म हो गया, 25 से 25 कट गया, कितना आ गया तुम्हारा 1000, कितना आ गया 1000, एक पॉइंट के लिए शून्य खत्म हो गया, तो ये बच गया 25 से 25 कट गया 1000, ध्यान रखना बच्चों, मैं तुम्हें सीआई का भी बता देता हूँ, फॉर थ्री ईयर्स के अंदर क्या करते हैं, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, क्या होता है 3 ईयर्स के लिए जो डिफरेंस होता है, मान लो आर कुछ चेंज कर लो, आर तुम्हारा 5% है, यदि आर 5% है इसका मतलब कितना आ गया 1/20, अगर 20 को मैं एक्स लेता हूँ, 20 क्या लेता हूँ मैं एक्स लेता हूँ, तो देखो तुम्हारा डिफरेंस क्या है सीआईएसआई का डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा सीआईएसआई का एसआई और सीआई का एसआई डिफरेंस जो होगा बच्चों वो 3x+1 होगा, 3x+1 इस 5% के अगर मैं बोल सकता हूँ 61, और प्रिंसिपल जो होगा तुम्हारा उस एक्स का क्यूब होगा, किसका क्यूब, इस एक्स का क्यूब मतलब होगा, और एक्स का क्यूब का मतलब ये तुम्हारा 20 का क्यूब 8000 होगा, ऐसे बच्चों सेम टू सेम, यदि तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन के अंदर देता है तो एसआईसीआई का जो डिफरेंस है वो 610 रुपये है, 610 रुपये किसकी बराबर है 61 का, 610 को 61 से भाग करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों सीधा आंसर आएगा, यदि प्रिंसिपल देगा तो 8000 से भाग करेंगे 61 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या जिसकी बराबर उसे भाग करेंगे, जो चाहिए हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा आंसर आएगा, ओके नेक्स्ट वन, यहाँ कितना आया था बच्चों 1000 आंसर आया था 1000, ठीक है 61 में देखो, 61 में देखो क्वेश्चन ने क्या करा है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज, ए किसी काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, अगर ए किसी काम कर सकता है 18 दिनों में, और बी कर सकता है, बी कैन डू द सेम वर्क कितने दिनों में 15 दिनों में, तो कोई ना कोई तो काम होगा, उस काम को हम एलसीएम के रूप में ले लेंगे, एलसीएम कितना हमारा इन दोनों का जो एलसीएम जाएगा बच्चों 6 से तुम्हारा कितने ले लें 150 कटेगा
पांच इंटू तीन। देखो मैं अगर कर लेता हूँ पांच इंटू तीन मतलब छः इंटू तीन, छः इंटू तीन और पांच इंटू तीन मतलब इसका मैं पांच ले लेता हूँ, अठारह भी आ गया और पंद्रह भी आ गया। जब भी एलसीएम लेना इस तरह से लेना, अगर दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई में लेंगे बच्चों दोबारा भाग करेंगे कैसे, अठारह को मैंने तोड़ दिया छः इंटू तीन, पंद्रह को तोड़ दिया मैंने तीन इंटू पाँच। अब देखो मैं अठारह से भाग करूंगा तो कितना आएगा, पाँच आएगा। यदि मैं पंद्रह से भाग करूँ कितना आएगा, छः आएगा। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों ए का जो काम करता है पर डे पाँच काम करता है, बी करता है छः। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि बी वर्क फॉर टेन डेज, बी ने दस दिन काम किया, बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में करता है छः काम, तो उसने दस दिन काम किया, दस दिनों में टेन डेज में कितना काम करेगा, टेन डेज में छः इंटू दस इसका मतलब कितना करेगा, साठ। अब उसके बाद क्या हुआ, साठ काम हो चुका है, साठ काम हो चुका है ठीक है। बी वर्क फॉर टेन डेज एंड लेफ्ट द जॉब, इन हाउ मेनी डेज विल टेन ओमेन कंप्लीट। ये जो क्वेश्चन बच्चों टेन ओमेन, यहाँ ओमेन का कोई भी जिगर नहीं किया है, ओमेन नहीं है बच्चों। बी ने काम छोड़ दिया तो उसके बाद बचा कौन, ए। बी ने अगर काम छोड़ दिया तो कौन बचेगा, ए ही बचेगा, तो रिमेनिंग काम कौन करेगा, ए करेगा। तो रिमेनिंग का वर्क इज डन बाय ए। तो देखो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, ये तुम्हारे कितने था काम था, छः पंचा तीस तीन नब्बे काम था, कितने काम था 90। इस 90 काम में से कितने काम हो गया बच्चों, 60 हो गया, बचा कितना 30। ये 30 काम कौन करेगा, ए करेगा 30 काम। एक दिन में कितना करता है, पाँच करता है, ए करेगा बच्चों छः दिनों में, कितने दिनों में, छः दिनों में, छः दिनों में कर देगा। देखो बच्चों इसका ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन नहीं है, मे भी इस क्वेश्चन का भी तुम्हें ग्रेस मार मिल सकता है ठीक है। दोज हु हैव अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन कैन गेट द ग्रेस मार्क, लेकिन जिसने अटेम्प्ट नहीं किया, दोज ही लेव द क्वेश्चन मे बी ही डिड नॉट गेट द क्वेश्चन मतलब मार्क्स। तो ध्यान रखना बच्चों ये डिपेंड करता है कि तुमने उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और नहीं किए, मतलब ऐसा अब तो रूल है और रूल के अकॉर्डिंग बताया, अगर अटेम्प्ट किए हो तो मिलेगा, अगर अटेम्प्ट नहीं किए हो तो मे बी नहीं मिले, लेकिन हो सकता है कि इस बार क्या दे कि सबको दे दे ठीक है, एवरी वन विल गेट द ग्रेस मार्क, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया वो मारेगा, दोज हु हैव अटेम्प्ट विल गेट और दोज हु डू नॉट अटेम्प्ट डिड नॉट गेट। देखो द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, स्पीड का इसने रेशियो दिया, स्पीड का कितना दिया, सात और आठ। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो सेकंड ट्रेन 400 किलोमीटर चार घंटे में कवर करता है, यदि सेकंड ट्रेन, ये फर्स्ट ट्रेन है, सेकंड ट्रेन ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सेकंड ट्रेन और सेकंड का स्पीड का रेशियो दे रखा, तो सेकंड ट्रेन ने क्वेश्चन, सेकंड ट्रेन का जो स्पीड आएगा बच्चों, स्पीड सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना आया, 400 किलोमीटर को यदि उसने चार घंटे में कवर किया, कितने घंटे में, फोर घंटे में, उसका स्पीड कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसका स्पीड कितना दिया है 8। तो मैं कह सकता हूँ 8 बराबर 100, यदि 8 बराबर तुम्हारा रेशियो में 100 दिया है बच्चों, 7 बराबर कितना आएगा, 100 अपॉन 8 इंटू 7 700 अपॉन 8, पॉइंट पे आएगा, ये रहा पॉइंट। क्वेश्चन को हमें चेक भी नहीं करना है क्योंकि 700 अपॉन 8 में कटेगा नहीं, देखते हम आंसर मार देंगे, इसे काटेंगे भी नहीं। पेपर में बच्चों ऐसे ही कहीं ना कहीं अप्रोच किया जाता है टाइम बचाने के लिए, ऑप्शन भी हमेशा चेक करना पड़ता है, तो हमेशा ऑलवेज चेक द ऑप्शन ठीक है। तो जब कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑप्शन के अंदर यही आंसर है, मतलब कि हमें करने की जरूरत नहीं है, देयर इज सिंगल पॉइंट क्वेश्चन, देयर इज सिंगल फ्रैक्शन क्वेश्चन और फ्रैक्शन विल बी देयर, हमेशा फ्रैक्शन ही आएगा, जब फ्रैक्शन आएगा तो आंसर इज फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इज पॉइंट, पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ओके नेक्स्ट वन, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जब स्क्वायर रूट निकालना बच्चों दो डिजिट का हम देखते हैं कि 25, ये जो 25 है किन यूनिट प्लेस की साथ आएगा, तो 25 के बाद 5 के साथ आ सकता है, तो 5 आएगा। यदि क्यूब रूट निकालना होता है तो तीन संख्या देखते हैं, बाकी जो बच्चा बच्चों कितनी संख्या, तीन, ये तीन संख्या का हमें क्या करना, दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर बनाना है, मतलब तीन संख्या किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो एक तुम्हारा 12 का है, एक तुम्हारा 13 का, तो 12 का होल स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है, 13 का उसका 169 होता है। तो तुम लोग देखे होंगे बच्चों ये तुम हमेशा छोटा लेके चलना, बड़ा मत लेना, ऑलवेज टेक स्मॉलर, तो हमेशा छोटा लेके चलना, इसका छोटा कितना है 12, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 125 है। लेकिन अब इसके अंदर पॉइंट है, पॉइंट को हमेशा ध्यान मत देना ठीक है, कभी कभी पॉइंट को ध्यान मत देना, तो पॉइंट का मतलब होता है यदि पॉइंट के बाद चार संख्या है स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद दो संख्या होगा, यदि पॉइंट के बाद दो संख्या है स्क्वायर रूट मतलब जस्ट आधा होगा, आधा
पाँच अगर होगा तो एग्जिट नहीं निकलेगा बच्चों, ध्यान रखना, पाँच होगा तो पाँच का नहीं निकलेगा, पॉइंट भी निकलेगा। यदि चार छः आठ आधा हो जाता है तो पॉइंट के बाद चार संख्या है, जब स्क्वायर रूट निकालूंगा पॉइंट के बाद दो संख्या आएगा, मतलब पॉइंट के बाद दो संख्या यही है, ये हमारा पॉइंट के बाद दो संख्या। ठीक है, नेक्स्ट वन 64 में देखो बच्चों, इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले इक्वेशन जानना है हमें, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन जो होता है बच्चों, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन, एंड वी नीड दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन डेट इज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इफ यू गेट द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देयर इज ए इक्वेशन इफ यू पुट अप द वैल्यू, तो देखो अगर वैल्यू पुट अप कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो बच्चों हम लोग दोनों का सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा गिवेन है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज गिवेन हियर, इसका मतलब क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस टू एल एक्स, बचा क्यों अल्फा इंटू बीटा, टू एल एक्स के अंदर क्या होगा यही है, ये दो सौ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, इफ यू डोंट हैव मच टाइम, यू डोंट हैव लेस टाइम, देन गो फॉर आइदर ए एंड बी, दोनों में टिक कर दो यदि टाइम कम है तो, अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो, लेकिन दोनों नहीं हो सकता, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो देखो अल्फा प्लस बीटा दिया है 12, अल्फा माइनस बीटा दिया है 12, एक्स प्लस वाई दे रखा, एक्स माइनस वाई दिया है, एक्स का जो वैल्यू निकलता है पहले का वैल्यू अल्फा, सम का आधा 12 और 4 का सम 16 का आधा 8, और बीटा निकलेगा डिफरेंस का आधा, 12 और 4 का डिफरेंस 8 होता, 8 का आधा 4 होता है 4, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आया 32, यहाँ आएगा 32 इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स माइनस वाई दिया है, एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, सम का आधा, ठीक है, हाफ ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ सम, जब वाई का वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ आ गया बच्चों ये तुम्हारा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आ गया, माइनस प्लस 32 वाला, ये वाला। देखो बच्चों यहाँ तो तुम्हें करना भी नहीं था बच्चों, जब ये 12 एक्स आ गया था बच्चों, अगला जो क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा यही माइनस का कोई चांस ही नहीं था, यहाँ प्लस वाला लगा देते, प्लस वाला, इतना भी बेसिक आइडिया हमें वहां लगा सकते हैं। 65 P is not equal to 1, P 1 नहीं है, यदि P 1 नहीं है तो x का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 5x plus 3 ये यदि 1 है बच्चों तो किसी भी संख्या का जो पावर 0 होता है 1 होता है, इसका मतलब P बराबर आ गया तो दोनों आपस में बराबर है, तो 5x plus 3 is equal to 0, x is equal to minus 3, 5 इधर जाएगा ये आ जाएगा, x is equal to minus 3 upon 5 माइनस 3 अपन 5, ओके नेक्स्ट वन 1। देखो इफ n इज ए नेचुरल नंबर, यदि n नेचुरल नंबर है, n कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, 0 इज होल नंबर, तो n अगर नेचुरल नंबर है बच्चों तो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे हमें सफाक करेगा, यदि n अगर नेचुरल नंबर है तो सबसे छोटा पहला नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, यदि n इज इक्वल टू 1 लेते हो तो 1 अगर पुट अप करते हैं तो कितना आया बच्चों, 12 आ रहा है, कितना आ रहा है 12, यदि हम n पुट अप करते हैं 1 तो कितना आया तुम्हारा 12 आया, यदि n में 2 पुट अप करता हूं तो 2 का होल स्क्वायर 4, 6 4 24 और तुम्हारा 12 कितना आ गया 36 आ गया, कितना आएगा 36, इसका मतलब एक टर्म 12 आ गया एक टर्म 36 आ गया, ये संख्या किस किस से भाग हो रहा है, ये संख्या देखो बोध 6 से भाग हुआ और 36 से भाग हुआ, ओनली का मतलब बच्चों ओनली 6 का मतलब बच्चों केवल 6 से उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब तो है ही नहीं बच्चों, ये संख्या तो बहुत संख्या से भाग होंगे, 2 से 3 से सब में भाग होंगे, तो यहाँ बच्चों ओनली जहाँ भी यूज होगा बच्चों उसे हटा देंगे ओनली, अब देखो यहाँ ओनली है लेकिन ओनली इसके अलावा कुछ और है क्या, 6 और 12 देखो ये ऑप्शन के अंदर ही गलत है, लेकिन यहाँ ऑप्शन का हम इटक करेंगे, ओनली कभी यूज नहीं होता बच्चों, ओनली का मतलब होता है ठीक है दिस नंबर एक्सेप्ट दिस नंबर नो नंबर इज डिविजिबल बाय डेट दिस नंबर, तो ऐसा नंबर होता है जो इसके अलावा कुछ नहीं होता, तो यहाँ ओनली नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर ओनली आया है तो वी शुड गो फॉर इट 6 और 12 ठीक है, बिकॉज यर इज ऑप्शन ऑप्शन 6 और 12 तो हमें यहां जाना पड़ेगा इस ऑप्शन के साथ। देखो यहां देखो बच्चों
अगर मैं वाई को नीचे लाऊंगा, अगर मैं वाई को नीचे लाऊंगा तो पाँच उधर जाएगा, पाँच उधर जाएगा और वाई नीचे आएगा नाइन। एक्स का वैल्यू पाँच है, वाई का वैल्यू नाइन है। अगर एक्स का वैल्यू पाँच है तो कितना आएगा दस, अगर वाई का वैल्यू कितना है नाइन है तो कितना आएगा अठारह। इन दोनों का रेशियो फाइव इज टू नाइन, ये रहा तुम्हारा फाइव इज टू नाइन। ऐसे क्वेश्चन में टाइम लेंगे बच्चों, तो ऐसा जो क्वेश्चन है बच्चों हार्डली तुम देख रहे होंगे चार पाँच छः सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है, बस प्रैक्टिस की कमी है। यदि तुम लोग प्रैक्टिस करते हो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हारा पेपर था वो 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि प्रैक्टिस करके जाते हो बच्चों तो हमेशा देखो, अगर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, ये जो 50 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया है, ये जो 50 क्वेश्चन अभी तुम्हारे पेपर में आया है, जिस बंदे ने प्रैक्टिस किया होगा उस बंदे को नो नीड टू टेक द पेन, देखो आंसर ठोको, क्योंकि उसने इतना प्रैक्टिस कर चुका है कि उसका आंसर उसको याद है। लेकिन जिसका प्रैक्टिस कम है उसका मतलब ये है कि वो बंदा हमेशा उसको सॉल्व करेगा, लेकिन जिसका प्रैक्टिस इतना ज़्यादा है कि उसने उस क्वेश्चन को उसने कई बार आंखों के सामने देख चुका है, जब तुम दो से तीन बार किसी चीज़ को देख लो ना बच्चों, चौथी बार में वो चीज़ ही याद हो जाता है। तो यहाँ ऐसा होता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि तुम प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन देख के आंसर ही ठोक दो। तो ऐसे जो हमने यहाँ हमने एसओ का 95 सेट का सॉल्व कराया बच्चों को, उन 95 सेट के अंदर इन ऐसा क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है जो एसओ में आया है जो पाँच से छः बार दस बार रिपीट नहीं हुआ होगा। उसी 95 सेट को उठा कर देख लो बच्चों, दस दस बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दस दस बार। शुरुआत में जो एसओ का क्वेश्चन बच्चे देने गए थे, मैंने उसने पूछा कि बच्चे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उन्होंने बोले मतलब जो हमारा प्रैक्टिस सेट हमने बनाया था शुरुआत में, तो सर अभी 30-35 ही हो पा रहा है। जब उन्होंने 5-7-10-15 सेट करना शुरू कर दिया, उन वही बच्चे बोले सर 45 प्लस स्कोरिंग कर रहे हैं, कितना खुशी लगा। तो उस क्वेश्चन में मैंने पूछा 45 प्लस स्कोरिंग क्यों होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर हम देख के लगा देते हैं हम लोग, क्यों हमने प्रैक्टिस इतना कर लिया, लेकिन उस कंडीशन में कोई नॉलेजेस वाला होगा वो देख के नहीं लगा पाएगा, वो हमेशा उसको सॉल्व करेगा। सॉल्व करना नहीं पड़ता पेपर के अंदर, हमेशा ध्यान रख लो बच्चों 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर सॉल्व करना नहीं पड़ता, मतलब 40% 30% पेन उठाना पड़ता है, बाकी 30% होते हैं इजी और मॉडरेट और टॉप आता है। इस क्वेश्चन के अंदर टॉप का कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ तो इजी और मॉडरेट के बीच में है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं क्वेश्चन आउट ऑफ मतलब कि मतलब कैन टेक द मोर देन टू मिनट्स, एवरी क्वेश्चन विल टेक लेस देन वन मिनट। तो देखो 68 इफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है 5-8-15, अगला नंबर हमने एक्स दे दिया, प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर होता है समानुपाती, तो इन दोनों में रेशियो, इन दोनों में रेशियो, इसका मतलब 5/8 इज इक्वल टू 15/x। एक्स अगर इधर चला गया तो तुम्हारा कितना आया 5 से 3 कट गया 3×8, ये तुम्हारा 24 आ गया, ये तुम्हारा 24 आ गया 69। देखो 69 के अंदर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ये दोनों अगर आपस में बराबर है, यदि दोनों आपस में बराबर है तो x प्लस टू किसके बराबर होगा 2, तो x प्लस टू इज इक्वल टू x प्लस सॉरी y इज इक्वल टू कितना होगा 2, और y निकालना हमें, y कितना है, y किसके बराबर होगा -1 के, तभी तो बराबर होगा, तो y इज इक्वल टू कितना है -1। यदि y इज इक्वल टू -1 पुट अप कर दूंगा यहाँ तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 जगह जुड़ जाएगा 3-1। ओके 70 नंबर क्वेश्चन, देखो 70 नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि देखो ये सारे क्वेश्चन पेपर में एजीटीज आया है और हमारा एसओ पेपर में कम से कम 10 से 15 बार हमने दे चुके होंगे। 2m+1 2m का वैल्यू देखो बच्चों, ये 2 अगर मल्टीप्लाई करूंगा सब में 2 मल्टीप्लाई होगा, 2m बनाने के लिए क्या करना 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 2-2, ये -2 और तुम्हारा +0, यहाँ बीच में प्लस हो रहा है प्लस, तो -2 + 0 कितना होता है -2 + 0 -0, मतलब -2, देखो मैं क्वेश्चन करता हूँ -2 मल्टीप्लाई कर दिया, -2 + 0 कितना होगा -2 आ गया। देखो जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 + -2 कितना होगा -2 आ गया, पहले ये रहा -2 सब में -2 आ रहा है, इसका मतलब एक तो तुम्हारा -2 आ गया, दूसरा भी कितना आ गया -2। अब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2×4 होगा, 4 + -2 4 + -2 कितना होता है 2 होता है, ये 2 आ गया यहाँ, ठीक है। और अगला कितना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 6 + 3 6 + 3 कितना होता है 9, ये आएगा तुम्हारा 9। तो -2 - 2 और 9 कहाँ है बच्चों, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। अरे इसके अंदर ऑप्शन बी और डी का बराबर है क्या, ऑप्शन बी और डी बराबर है,
देखना कौन है, ऑप्शन डी और बी बराबर है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 70। 70 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी और डी बराबर है क्या? लेट मी सी द क्वेश्चन। नहीं, बी में माइनस टू है। ओ, बी में माइनस टू है, बी में माइनस टू है, माइनस टू, ठीक है, बी में माइनस टू है, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या होगा बच्चों? डी। आंसर तुम्हारा डी होगा, टाइपिंग मिस्टेक बच्चों, ठीक है। 71 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा डोज द इक्वेशन इतना और इतना हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, देखो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? नो सॉल्यूशन के अंदर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। पहली जो ए वन और ए टू है बराबर होंगे बी वन और बी टू से नो सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब ए तुम्हारा ए है, ए का मतलब अल्फा, अब अल्फा अपन कितना है टू इज इक्वल टू, ए तुम्हारा वाई का कोफिशियंट कितना है वन, वन अपन माइनस थ्री, दो उधर जाएगा बच्चों, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू टू अपन माइनस थ्री आ गया, टू अपन माइनस थ्री, टू अपन माइनस थ्री। 72 देखो द डिस्क्रिमिनेंट, देखो यही क्वेश्चन मैंने दो दिन पहले ही जो मैं सिमिलर क्वेश्चन डिस्कशन किया था उसके अंदर यही क्वेश्चन आया था दो दिन पहले। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ही क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट, तो बी का स्क्वायर, ए ए है, ए बी है और ए सी है, बी का स्क्वायर मतलब माइनस पांच का होल स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस फोर ए कितना होगा 3, सी कितना होगा 3। यहां तुम देखो बच्चों कितना है, 25 में से ए तुम्हारा आया 9 4 36, अब 36 में से 25 चला गया बच्चों माइनस 11 आया, कितना आया माइनस 11, ये आया तुम्हारा माइनस 11, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दो दिन पहले सिमिलर क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया था दो दिन पहले, ठीक है। 72 में देखो ए पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इज गिवेन, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ये किसके मतलब कि क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, यदि इस क्वेश्चन आपस में क्या है, ये कहां गया भाई, ये दोनों इक्वेशन के अंदर वेयर देन छूट गया, क्वेश्चन छोड़ दिया, इसे उसने कंडीशन दिया था, कंडीशन दिया था, क्वेश्चन छोड़ दिया, ऑप्शन हमारा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों इसके अंदर 73 उसने दिया है, क्या दिया है कि ए वन और ए टू इज इक्वल टू बी वन और बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन और सी टू। मैंने अभी बोला था बच्चों कि जो नो सॉल्यूशन होता है उन नो सॉल्यूशन के अंदर पहले दो बराबर होता है, लेकिन यहां नो सॉल्यूशन सॉल्यूशन के ऊपर बात नहीं किया, उसने कुछ लाइन का कुछ उसने डेफिनेशन दिया, लाइन डेफिनेशन क्या है हम सभी को पता है, यदि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट, इसको इंडिपेंडेंट लाइन कहते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट लाइन के साथ एक कॉन्सिस्टेंट है, एक के ऊपर एक है इंडिपेंडेंट लाइन, ये हमारा वन सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन। इस वन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है और ये तुम्हारा कॉन्सिस्टेंट है, और इंडिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट मतलब वन सॉल्यूशन, जहां वन सॉल्यूशन होता है ये दोनों इक्वल नहीं होता, क्या होता है इक्वल, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। और हमें पता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या है, यदि इसके अंदर क्या है एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, यदि पैरेलल है तब जाके बच्चों क्या होता है नो सॉल्यूशन होता है, क्या होता है नो सॉल्यूशन, यदि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो क्या होंगे ये नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन का मतलब ही बच्चों इनकॉन्सिस्टेंट लाइन कहते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट, जहां इनकॉन्सिस्टेंट का यूज होगा बच्चों, कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, लेकिन जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका इंडिपेंडेंट और कॉन्सिस्टेंट कहते हैं, लेकिन जब एक के ऊपर एक लाइन है तो उसे कॉन्सिस्टेंट कहते हैं, लेकिन दोनों लाइन जब पैरेलल होंगे बच्चों उसे कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। हाँ, इनकॉन्सिस्टेंट कहां है देखो, इनकॉन्सिस्टेंट एरा इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि दोनों आपस में बराबर है, और उस क्वेश्चन के अंदर नो सॉल्यूशन के अंदर अभी मैंने बोला कि ए वन और ए टू बराबर होते हैं बी वन और बी टू, और एक चीज होता है जहां कॉन्सिस्टेंट होता है, कॉन्सिस्टेंट और को इंसिडेंट, जब कॉन्सिस्टेंट और को इंसिडेंट होता है दोनों लाइन आपस में क्या होते हैं एक लाइन के ऊपर एक लाइन होता है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन होता है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, ये ध्यान रखना, उसके अंदर तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये भी क्या होगा ए इज इक्वल टू हो जाएगा,
यहां दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन क्या कहते हैं बच्चों? तुम्हारा इनकंसिस्टेंट लाइन, इसका मतलब बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन 74 में देखो, इफ द सेवेंथ एंड 13 टर्म ऑफ एन एपी, 17 टर्म क्या होता है बच्चों? देखो ए प्लस 6d कितना बोला हमने? सेवेंथ टर्म, सेवन ए प्लस 6d इज इक्वल टू कितना दिया उसने? 34। जितना भी टर्म होता एक ए हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, जितना भी टर्म होता एक कम होता है। तो उसके बाद क्या बोला? 13 टर्म ए प्लस 12d इज इक्वल टू कितना दे रहा? 64। इस क्वेश्चन में पूछा क्या? इस क्वेश्चन में 18 टर्म का मतलब होता है जो हम TN यूज करें, TN का मतलब होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही पूछ रहे बच्चों। यहां देखो 18 टर्म का शुरू करूंगा मैं, T18 निकालूंगा तो A तो रहेगा, तो 18 माइनस कितना होगा? 1, इतना 17D आया नहीं आया। इसलिए मैंने बोला बच्चों जितना भी टर्म होता है उसे एक कम करते हैं, एक प्लस एक कम करते हैं। इसका मतलब क्या है? A प्लस 17D। यदि A प्लस 17D होगा तो हमें A भी चाहिए और D भी चाहिए। A और D यहां से निकाल देंगे हम, यहां से कैसे? यदि इन दोनों में माइनस 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 कर दूंगा तो ये कट जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आया? डिफरेंस माइनस 30। माइनस माइनस कट गया तो डी का वैल्यू कितना आया? डी का वैल्यू 5 आ गया। यदि डी का वैल्यू यहाँ 5 करूंगा पुटअप, इसका मतलब यहाँ पुटअप कर दूंगा 5 कर दूंगा, 30 इधर जाएगा तो ए का वैल्यू कितना आ गया? ए का वैल्यू तुम्हारा 4 आ गया। तो यही ए का वैल्यू हम 4 पुटअप करेंगे, यहाँ 4 पुटअप करेंगे और यहाँ आएगा तुम्हारा 17 × 5, डेट इज 17 × 85 89, ये आ गया तुम्हारा 89। सी ऑप्शन क्या होगा? 89। ओके नेक्स्ट वन 75 क्वेश्चन में देखो, इफ द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन एपी, उसने एपी का सम दे दिया, कहाँ है इक्वेशन, कहाँ चला गया? अबे यार इक्वेशन टाइप नहीं हुआ, इक्वेशन 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन एपी, जो एस एन दे रखा है वो सम दिया है, सेम सम का मतलब एस एन, कितना दे रखा उसने? 3n² + 5n, मतलब सम ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी इज के बाद बच्चों यही है, एस एन नहीं दिया उसने, इज के बाद यही है, मतलब मैं इसे मिटा देता हूं, उसने नहीं बोला, दोनों मिटा देता हूं, उसने यही दिया है इज। ये बच्चों सम है, क्या है? सम है। यदि सम होगा तो इसका मतलब पहला टर्म अगर होगा तो पहले एक टर्म का भी सम आएगा, दो टर्म होगा तो दो टर्म का भी सम आएगा। उसने पूछा क्या? उसने पूछा कि 164 कौन सा टर्म में आएगा? 164 इसका मतलब टी एन पूछा, टी एन तो टी एन होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और टी एन लास्ट टर्म होता है, उस लास्ट टर्म 164 दे दिया, या दे दिया 164। तो मुझे ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, एन यहाँ पता करना है। यदि मैं ए को यहाँ लेता हूँ, एन इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, एन का मतलब 1 टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ ए निकल के आएगा। अगर एन इज इक्वल टू 1 होगा बच्चों कितना आएगा? 5 और 3 8, तो ए हमारा 8 आ गया। पहला टर्म कितना आया? आ यहाँ देखो बच्चों, पहला टर्म क्या आएगा? 8 आएगा ए। सेकेंड टर्म का सम बोला है, सेकेंड टर्म यदि मैं एन इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, यहाँ मैंने एन इज इक्वल टू 1 ले लिया, एन इज इक्वल टू ले लिया 1, अब एन इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ? 2 लेता हूँ। यदि एन इज इक्वल टू 2 लूंगा तो दोनों का सम आएगा, जब एन इज इक्वल टू लूंगा तो 10 होगा, 2 × 4 = 12, 12 और 10 = 22, कितना? 22। 2 लूंगा तो 10 होगा, 4 × 12 = 12, 12 + 10 = 22 होगा, मतलब 22 जो है बच्चों दो टर्म का सम है, क्योंकि ये SN है, ये SN है, SN SN का मतलब दो टर्म का सम है, सम ऑफ नंबर। यदि दो टर्म का सम तुम्हारा 22 है, पहला टर्म कितना है? 8 है, तो दूसरा टर्म निकल के आ जाएगा, दूसरा टर्म कितना होगा? दोनों का सम 22 है, इसका मतलब 22 में से 8 घटा देते हैं, यदि 22 में से 8 घटा दूंगा बच्चों कितना आएगा? 14 आएगा। इन दोनों का सम 22 है बच्चों, इन दोनों का सम 22 है। अब मुझे बताओ ए तुम्हारा पहला टर्म होता है, जो डी होता है, इन दोनों का डिफरेंस डी कितना आएगा? 6, ये हमारा डी होगा, डी होगा। तो यहाँ हम पुटअप करना था, ए कितना है? ए तुम्हारा 8 है, हमें एन नहीं पता, एन माइनस 1, डी कितना है? 6 है, इस 6 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 6n आएगा माइनस 6 आएगा, 8 में से 2 गया बच्चों, कितना बचा? 2 गया तुम्हारा, 2 बचा, 2 जाकर उधर माइनस 162, तो 162/6 इज इक्वल टू एन, ठीक है एन। अगर एन पुटअप 6 से 2 बार 6 × 42 = 27 आ गया, एन इज इक्वल टू आ गया 27, एन इज इक्वल टू आ गया 27। ओके नेक्स्ट वन 76 के अंदर देखो, इफ द सम ऑफ द टर्म ऑफ ए पी बी द, इतना दे रखा बी एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6,
देन इट्स फर्स्ट टर्म क्या होगा, वो बच्चे उसने वो इक्वेशन मिस है, 76 ने क्या बोला, द सम बी 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 के बाद बच्चों बी के बाद कितना है, 3n² + n, ठीक है, 3n² + n, ये बी की बात है। मतलब उसने क्या पूछा बच्चों, उसने पूछा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो होता है किसी भी सीरीज का बच्चों, जो पहला टर्म होता है उसे फर्स्ट कहते हैं। पहला टर्म को क्या कहते हैं, एक टर्म, मतलब वन है। यहां से हमें ए पुटअप करना है, ए जो फर्स्ट टर्म होता है, तो ए अगर वन पुटअप करता हूं कितना आएगा, एन अगर वन पुटअप करता हूं तो चार आएगा, कितना आएगा दोनों का सम, चार, और चार ही तो हमारा फर्स्ट टर्म है। शुरुआत जो सम होता है चार ही आ रहा है, एन हमारा ए पूछा इसने, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन इज इक्वल टू वन पुटअप कर दो बच्चों, डेट इज कॉल्ड ए, क्योंकि एक टर्म का सम, डेट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। ओके, यहां डी ऑप्शन आ गया, 77 में देखो, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म बिटवीन 2 एंड 100, दो और 100 के बीच सभी ऑड टर्म का सम क्या होगा बच्चों, दो से पहले एक ऑड टर्म है बच्चों, वन है, उसने वो छोड़ दिया। अगर इसका मतलब मुझे निकालना बच्चों, 1, 3, 5 और कहां तक, 99 तक, और जो हमारा एस एन होता है बच्चों, फ्रॉम बिगिनिंग एन का स्क्वायर होता है, यहां जो एन होगा बच्चों, एन क्या होगा, एन 99 + 1 का आधा, मतलब डेट इज 50। यदि मैं फ्रॉम 1 से लेके चलूंगा तो जो सम होगा बच्चों वो तुम्हारा 50 होगा, एस एन, 50 का होल स्क्वायर 2500। इसका मतलब बच्चों जो एस एन हो 2500 है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमने उसने क्या किया, 2 और 100 के बीच में, बोलो 2 और 100 के बीच में, 1 एक एडिशनल आ गया, उसने कहा कि 2 और 100 के बीच में बताओ, ये 2 और 100 के बीच में पूछा बच्चों, 1 एडिशनल आ गया, इसका मतलब मैंने इसमें -1 करना पड़ेगा, यदि -1 करूंगा तो यहां जो आंसर आएगा 2499 आएगा, जो ऑप्शन के अंदर नहीं है, 2499। इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को ग्रेस मार्क मिलने वाला है, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी ग्रेस मार्क मिलेगा, दोज पीपल हैव अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विल गेट द ग्रेस मार्क, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है दिया जी, नो ऑप्शन। 78 इन ए ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट, ठीक है, 475 स्टूडेंट क्या है, स्पीक हिंदी, दोनों के बात कर रहा है, दोनों के बात, हिंदी वाले कितने बच्चों, हिंदी वाले तुम्हारा 475 है, टोटल हमारा 500 है, और क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 200 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वाले कितने हैं, इंग्लिश वाले कितने हैं, 200। इसका मतलब बच्चों हिंदी और इंग्लिश के मिला दूं तो तुम्हारा 675 बच रहा है, तो लेकिन है तो कितने, 500, तो 175 जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो एक्स्ट्रा क्या है, वो एक्स्ट्रा बीचों बीच है, एक्स्ट्रा 175, जो हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, दोनों में जुड़ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि केवल हिंदी वाले बोले, 475 में से 175 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, तो बचे कितना, 300, 475 से घटे थे, ये केवल के केवल हिंदी बोलते हैं, ओनली हिंदी 300, ओनली हिंदी जो है 300 होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये समझ में आ रहा है, ओके नेक्स्ट वन, 79 क्वेश्चन देखो, इसका विजिबिलिटी ठीक है क्या, क्योंकि इसका हमारा ये कलर देना, रेड कलर देना चाहिए था, यहाँ ब्लू दे दिया, इस क्लियर तो इसका क्लियरिटी नहीं आता, पता नहीं कलर क्यों दे दिया, हमेशा ब्लैक देना चाहिए, देखो ब्लैक, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट ए बाउंड्री 15 टाइम्स आउट ऑफ 60 बॉल, इसका मतलब मैं कि उसने हिट कर सकता है 60 में से उसने हिट किया कितना, 15, तो हिट करने की क्षमता है 1/4 है, 60 बॉल में से 15 बॉल अगर हिट कर सकता है तो उसका हिट करने का जो कैपेबिलिटी है बच्चों 1/4 है, यदि हिट नहीं करने का फिर कितना होगा, नॉट कितना होगा 3/4, चार में से एक अगर हिट कर सकता है तो चार में से एक नहीं कर सकता। क्वेश्चन के अंदर पूछा कि ही डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, उसने बाउंड्री हिट नहीं कर सकता, उसका संभावना क्या है, उसका संभावना 3/4 है, अगला जो बॉल होगा उन बॉल में से अगर 1/4 हिट कर सकता, 3/4 नहीं कर सकता, इसने उसको पॉइंट पे दिया है, इसका अगर फ्रैक्शन निकालूंगा बच्चों 0.75 आएगा, 1/4 डेट इज 1.75। ओके नेक्स्ट वन, 80 में देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ए नॉन लीप ईयर, लीप ईयर नॉन लीप ईयर, मैं बार बार कहता हूं, लीप ईयर नॉन लीप ईयर के अंदर क्या होता है बच्चों कि 365 दिन तो हमारा नॉर्मल होता है, तो लीप ईयर के अंदर कितना होता है, 366 दिन, उन 366 दिन के अंदर
हरेक 7 दिनों में एक बार मंडे आएगा, एक बार ट्यूजडे आएगा, एक बार संडे आएगा, सब कुछ आएगा। यदि मैं 7 में भाग कर दूंगा तो 7 से भाग करूंगा तो कितना बार, 7 बार 5 बार जाएगा, 7 × 5 = 35, कितने बार, 5 बार, 7 × 5 = 35, फिर कितना होगा 1/6, तो 7 से कितने बार जाएगा बच्चों, 7 से जाएगा 2 बार 14। ये जो 2 बज गया, ये 2 क्या हो सकता है, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ये जो 2 बज सक गया बच्चों, 52 तुम्हारा संडे आ चुका है, अभी बचा तुम्हारा एक संडे जो 53 संडे होगा, तो 2 दिन तो कॉन्जिक्यूटिव होगा, क्या होगा, या तो मंडे और ट्यूजडे होगा, सॉरी किसकी बात कर रहा हूँ, संडे का, मैं संडे से शुरुआत करता हूँ, संडे से शुरुआत करता हूँ, चलो ले लिया मैंने, ले लिया, अब ट्यूजडे या तो क्या होगा वेडनेसडे, या तो वेडनेसडे होगा और क्या होगा थर्सडे, या तो थर्सडे होगा और क्या होगा फ्राइडे, या तो फ्राइडे होगा और क्या होगा सैटरडे, या तो सैटरडे होगा क्या होगा संडे, आ गया संडे, या तो संडे होगा या तो मंडे होगा, 2 लगातार, यही हो सकता है 7 दिन, 7 बज जो 2 है, इसका मतलब आउट ऑफ कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 चांस में से संडे होने का 2 चांस है, एक संडे यहां आ रहा है, ये रहा संडे, एक संडे यहां आ रहा है, इसका मतलब 2 संडे हो सकता है आउट ऑफ 7। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका जो आंसर होगा 52 संडे आ चुका है, जो 52 संडे है, मंडे है, यहां संडे के अलावा कुछ भी पूछे, व्हाट एवर द मतलब कि व्हाट एवर डे ही विल गिव, द आंसर विल बी 2/7, 2/7, Either it is Sunday or Monday, whatever the day he will give, दो भी day हो सकता है, whatever the day is, तो answer will be 2/7, चाहे Monday हो तो Tuesday हो, क्योंकि यहाँ Monday भी 2 बार आएगा, Monday एक बार यहाँ है, Monday एक बार यहाँ है, सब 2 2 बार आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, leap year के अंदर जो तुम्हारा क्या बोला उसने, non-leap year, ओहो non-leap year, कोई बात नहीं, हमने leap year ले लिया। नॉन लीप ईयर में क्या होगा बच्चों, ये जब 366 था, ये 366 में से यहाँ 2 बचा बच्चों, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा मतलब क्या होगा, मंडे होगा, संडे होगा, मंडे के बाद ट्यूजडे, चलो मैं रिवर्स कर लेता हूँ, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, ठीक है, वेडनेसडे और तुम्हारा ट्यूजडे, एक जो दिन बचा बच्चों यही हो सकता है, उनमें से 52 आ सकता है, एक दिन कौन सा संडे होगा, तो आउट ऑफ कितना है 7, 2/7, 1/7, 2/7 मैंने वो आंसर लगाया बच्चों जिसके अंदर कहेगा लीप ईयर, लीप ईयर, यहां क्वेश्चन पूछा नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में 1/7 होगा, चाहे यहां संडे दे चाहे मंडे दे कुछ भी दे, आंसर 1/7 ही आएगा, ठीक है 1/7 ही आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, लीप ईयर के अंदर 2/7, नॉन लीप ईयर के अंदर 1/7, ये आंसर दोनों फिक्स है, ठीक है, देखो ओके, कि यदि ये संख्या, यदि ये संख्या बड़ा होता, बड़ा संख्या मतलब देखो बच्चों, जब 1, 2 लेते हैं हम लोग बच्चों, इन दोनों संख्या में 2 से कटने वाला संख्या 2 है, एक संख्या 2 से कटता, मतलब एक संख्या 2 से नहीं कटता, यदि मैं 1, 2, 3 लूंगा तो 3 संख्या में से 1 संख्या 3 से कटता है तो 2 संख्या नहीं कटता, यदि मैं तुम्हें 5 संख्या लूंगा 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 नंबर में से 5 से कटने वाला कितनी संख्या है, सिर्फ 5 है, इसका मतलब 4 संख्या नहीं करता, 4/5। यदि ये संख्या बड़ा होता, यदि ये संख्या बड़ा होता तो जो भी नंबर है 1/2, 1/ तुम्हारा कितना है 2/3 और 4/5, यहां हमने वो बड़े संख्या का जो 2, 3, 5 का एलसीएम है वो यहां लिख देते हैं हम लोग और सीधा काट देते हैं। मान लो 160 होता, यदि 160 होता तो 160 का जो तुम्हारे 2, 3, 5 का जो एलसीएम होता है 30 होता है, 30 का जो मल्टीपुल है वो 150 तक है, यहां सिर्फ हम 150 लिखेंगे, 150 वो काट देंगे, यहां पता चल जाएगा बच्चों कितने संख्या प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर वही संख्या तो कहते हैं जो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो उसका मतलब प्राइम नंबर है, तो वही संख्या बच्चों यहाँ 1 से 150 लिख देते तो संख्या आ जाएगा, बाकी 151 से लेकर 60 तक हम मैनुअली देखेंगे कि 2, 3, 5 से कटने वाला कौन सा संख्या है जो प्राइम नंबर है, 151 प्राइम नंबर है क्या वो, नहीं हाँ बिल्कुल है, 153 मतलब 106, 107 नहीं करता, मतलब देख चेक करना पड़ेगा हमें, यदि है तो कटे मतलब कि वो करता है तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, नहीं करता है तो प्राइम नंबर नहीं, मतलब कि करता है तो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं करता है तो उसका मतलब प्राइम नंबर है, हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा यदि संख्या बड़ा आ जाए तो, ओके। देखो 82
82 में देखो हाउ मेनी नंबर नेचुरल नंबर फ्रॉम 23 से 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय 6। देखो बच्चों अगर 1 से 100 तक कितनी संख्या 6 से भाग होता है, एक बार भाग करो, 16 85 16 96 नंबर, 1 से 100 तक 16 नंबर ऐसे है जो तुम्हारे 6 से भाग होता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 23 से लेकर मतलब 22 संख्या ऐसे हैं जो 6 से भाग होने वाला, वो भी इसके अंदर जुड़ गया 6 से, कितनी संख्या 3 नंबर। 1 से 22 तक 3 नंबर ऐसे हैं जो 6 से भाग नहीं होता, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 13 संख्या ऐसे हैं जो 6 से भाग होगा जो 22 और 100 के बीच में। इज दैट क्लियर? ओके 83 सेट हैज 5 एलिमेंट। देखो ये क्वेश्चन बच्चों दो दिन पहले ही तुम लोगों को मैंने प्रैक्टिस में कराया था, मैंने प्रैक्टिस में कराया था, सेम टू सेम उठ कर आया है, इसका आंसर तभी बताया था। और मैंने कहा था बच्चों सबसेट और जो तुम्हारा पावर सेट है दोनों सेम होता है, पावर सेट सेम होता है, सबसेट और पावर सेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, सारे जो एलिमेंट सारे जो सेट है वो अलग अलग होता है, और पावर सेट के अंदर होता है सारे जो अलग अलग एलिमेंट एक ही सेट के अंदर आ जाता है लेकिन वो दोनों सेम है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें कोई एलिमेंट दिया है, कोई सेट है, उस सेट के अंदर एलिमेंट कितना है, 1 2 3 D और 5 है, मतलब कि 5 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है 5, और सबसेट जो होगा बच्चों 2 की पावर 5 होगा। यदि प्रॉपर सबसेट की बात करता है प्रॉपर, तो हमें क्या कर 2 की पावर 5 माइनस 1 करेंगे। माइनस 1 का मतलब यही हो बच्चों जो सेट के अंदर खुद ही होता है वो नहीं आता है, खुद ही का मतलब क्या है ABCDE, खुद ही वो नहीं आएगा। यदि इसके अंदर क्वेश्चन पूछा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, नॉन एम्प्टी की बात करता है तो नॉन एम्प्टी की बात करेगा तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 माइनस 2 कर देते। एक क्यों बढ़ा, एक का मतलब है नॉन एम्प्टी के अंदर एम्प्टी जो सेट होता है वो भी एक सेट है, वो भी हट जाएगा, खुद ही हटेगा और एम्प्टी सेट हटेगा, उसे कहते हैं नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ध्यान रहे ओके। लेकिन इसके अंदर क्या पूछा है सबसेट पर 2 की पावर 5 कितना होता है 32, आज क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है, बी ऑप्शन। अगला अगले क्वेश्चन में देखो आगे चला गया क्या, हो गया 84 में देखो 84 में क्या है, ए बैग कॉन्टेंट्स 3 ग्रीन, 3 ग्रीन है ओके, 4 ब्लू है और क्या है, 4 ब्लू है 2 ऑरेंज है, क्या है 2 ऑरेंज। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हमें कितने बल चूज करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन ऑरेंज, ऑरेंज नहीं होने का संभावना क्या है, ऑरेंज नहीं होने का संभावना। तो देखो अगर हमारे सामने एक बॉल निकालेंगे तो इसका मतलब हम चाहते हैं ऑरेंज ना निकले, हम कितने में से निकालेंगे, 7 में से 7C1, और 7C1 का मतलब कितना होता है 7। अब टोटल क्या होगा, टोटल के अंदर कोई कंडीशन नहीं होता, टोटल नंबर कितना है 9, तो 9 में से एक बॉल निकालेंगे 9C1, डेट इज कितना होगा 9, तो हमारा आंसर क्या होगा 7 upon 9। तो देखो 85 के अंदर देखो कि x इज एनी नंबर चूसन फ्रॉम 1 to 3, x कोई नंबर है जो 1 2 3 से हमने चूज किया है, यहां से एक चूज किया है, और y एक नंबर है जो हमने चूज करना है इससे चूज करना है, लेकिन जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो xy लेस देन 9 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यदि मैं x को और y को चूज करता हूं, मान लो x में से मैं एक चूज करता हूं, यहां मैं ऐसे क्या चूज करूं y में से जो उन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 9 आए। मैं देखो 9 अगर चूज कर लूंगा तो यहां इन दोनों का प्रोडक्ट 9 आएगा, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि वो 9 नहीं हो सकता, इसका मतलब मैं ये नहीं चूज कर सकता 9 को। तो मैं यहां क्या क्या चूज करता हूं, यदि मैं यहां एक चूज करता हूं तो यहां मैं एक ले सकता हूं 1 into 1 ओ भाई 1 into 1 ठीक है 1 आएगा, और मैं यहां क्या ले सकता हूं, यहां ले सकता हूं, अगर यहां मैं 1 चूज करता हूं तो यहां मैं अगर ले सकता हूं 1 लूंगा तो दूसरा कितना लूंगा, दूसरा 4 लूंगा, 1 into 1 भी 1 होगा, 1 into 4 कितना होगा 1 into 4 4 होगा, मतलब यहां मैं 2 तरीके से चूज कर सकता हूं x में अगर 1 लेता हूं तो। यदि मैं x2 लेता हूं, यदि मैं x2 लूंगा तो यहां ऐसा क्या वैल्यू रखूं जो xy का जो प्रोडक्ट है 9 से छोटा है, तो देखो अगर मैं 2 लूंगा तो 1 लूंगा तो 2 एकम 2 बिल्कुल आ सकता है 9 से छोटा, 2 into 4 8 9 से छोटा 9 नहीं ले सकता, 9 लूंगा तो 2 into 9 18 हो जाएगा, जो लेस देन छोटा नहीं है तुम्हारे बिगर देन 9 है। इसका मतलब क्या है कि हमें 2 संख्या ले सकता हूं, क्या क्या 1 और 4, या 2 ले सकता हूं, इसका मतलब यहां भी कितना चांस है 2 चांस है।
अब मैं एक दो ले सकता हूँ तीन, यदि मैं यहाँ तीन लेता हूँ, यदि मैं क्या लेता हूँ बच्चों यहाँ तीन लेता हूँ, एक्स मैं ऊपर लिख दिया तीन लेता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ देखो क्या लिख सकता हूँ, अगर वन लूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा तीन होगा, यदि मैं चार ले लेता हूँ यहाँ बारह हो जाएगा, नौ लेता हूँ बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब मैं यहाँ एक ही चांस ही होगा, यहाँ वन ही ले सकता हूँ, इसका मतलब दोनों में से नंबर चूज कर लिया, उनमें जो पॉसिबिलिटी है बच्चों एक दो दो, इसका मतलब पाँच है, पांच तरीके से ले सकता हूं, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जो टोटल, इसमें कंडीशन नहीं होता, 3C1 3C1 उनमें तीन नंबर है 1 3C1 इसमें तीन नंबर 1 दैट इज टोटल 9, तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो प्रोबेबिलिटी कितना आया टोटल 5 आया आउट ऑफ कितना 9, तो 5/9 हमारा आंसर है। ओके नेक्स्ट वन 86 तो 86 में देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, कोई टावर है बच्चों वो टावर है, उस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, किसी पर्टिकुलर बिंदु है उस बिंदु से 20 मीटर दूर है जो टावर है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि टावर का जो टॉप है वो बिंदु से कितने डिग्री कोण बनाता है 45, तो ये तो 90 है, ये कितना हो जाएगा 45, यदि 45 होगा तो ऑब्वियसली बात है देखो कि हमारे सामने क्या है, हमारे सामने ये 20 है जो 45 के सामने कितने होते हैं 45 के सामने 1 होता है, इस 45 के सामने कितना होगा 1 होगा, तो इसके सामने कितना होगा रूट 2 होगा, इसने 1 बराबर कितना रखा 20, इसका डिस्टेंस रूट 20 है, यदि 1 बराबर 20 है तो इस 1 बराबर भी कितना होगा 20 ही होगा, इसका मतलब उसने टॉप का पूछा है उसका हाइट कितना है, उसका हाइट कितना है 20 है। ओके नेक्स्ट वन 86 में देखो आप, इफ ए सर्किल एंड सेमी सर्किल हैव द सेम रेडियस, तो क्वेश्चन के अंदर पूछा रेशियो बिटवीन पेरीमीटर सर्किल एंड सर्किल द सेम रेडियस ऑफ द सोलर मीटर, देन द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर इज, गलत है। 87 के अंदर देखो उसने कुछ कुछ छूट गया इसके अंदर, कुछ नहीं, रेशियो ऑफ दिस दे आर पेरीमीटर, रेशियो ऑफ दे आर पेरीमीटर, दे आर मतलब उन दोनों का पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, उन दोनों का पेरीमीटर का रेशियो, ये देयर है बच्चों दोनों ही देयर है, उन दोनों का पेरीमीटर रेशियो, इसका जो पेरीमीटर होता है सर्किल का वो होता है 2πr, तो इसका मतलब सर्किल का जो होगा वो सर्किल कितना होगा बच्चों 2πr पेरीमीटर, सेमी सर्किल सेमी सर्किल सेमी सर्किल सेमी सर्किल क्या होगा, यदि सर्किल को मैं आधा कर दूँ, यदि मैं सर्किल को आधा कर दूँ तो ये देखो बच्चों इसका आधा हो जाएगा 2πr का आधा डेट इज πr, लेकिन आधा करने से एक यहां हमारे एक लेंथ मिल गया जो ए बी आर है डेट इज 2r, इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा बच्चों वो पाई आर प्लस 2r, और हमें उसका r गिवन है, क्या गिवन है r 2 पाई का मान 22/7 r इज इक्वल टू 14, 7 से कट गया 2 बार, इसका मतलब ये आ गया तुम्हारा 88 यदि मैं सेम टू सेम यहां लूंगा 22/7 इसका मतलब 14 है 2 × r ये कितना है r का मतलब 14, 7 से कट गया 2 बार इसका मतलब 44 ये तुम्हारा कितना आया 7 से कट गया 2 बार 44 और ये कितना आया बच्चों 14 28 कितना आया 72 इन दोनों का उसने रेशियो पूछा इन दोनों का रेशियो तो किससे कट रहा 8 से कटेगा 9 बार 8 से कटेगा तुम्हारा 8 से कटेगा 9 बार 8 से कटेगा 11 बार 11:9 एरा सी ऑप्शन 11:9 इन दोनों का उसने रेशियो पूछा था इज डेट क्लियर नेक्स्ट वन 88 देखो उसने क्या पूछा इफ द हाइट ऑफ द कोन एक कोन है बच्चों उस कोन का जो हाइट है उस कोन का इसने हाइट बोला है ये तुम्हारा हाइट है रेडियस का ट्वाइस हाइट जो होगा 2r होगा और रेडियस कितना है r है तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बेस विथ टोटल सरफेस एरिया बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है सबका एरिया बेस का भी एरिया और तुम्हारा चारों तरफ का भी एरिया बेस का एरिया कितना आ सकता है पाई आर स्क्वायर और चारों तरफ का मतलब जो एरिया है उसका एल ए से जिसे कहते हैं हम एल ए से वो तुम्हारा पाई आर एल होता है क्या होता है पाई आर एल यदि पाई आर एल होगा तो ध्यान दो बच्चों ऑब्वियसली बात है अगर इन दोनों को मैं कटूंगा रेशियो के अंदर ये क्वेश्चन गलत है क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत है लेकिन ऑप्शन इसका आंसर बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर मैं इसका पाई आर स्क्वायर लेता हूं और प्लस लेता हूं पाई आर एल तो यहां बच्चों दोनों का सम आएगा दोनों के सम के अंदर एक √5 √3 आ रहा है अगर √5 √3 आ रहा था बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन का ऑप्शन के अंदर है ही नहीं क्योंकि ये प्लस में ही आएगा प्लस में क्यों आएगा क्योंकि मुझे यहाँ एल निकालना है
यदि एल निकालना है, यहाँ जो आर होगा ये आर है, ए टू आर है, तो इसका रेशियो जो होगा, इसका रेशियो जो होगा ये आर होगा, टू आर होगा, वन इज टू टू रूट फाइव होगा, वन और टू का रूट फाइव का मतलब रूट फाइव आर होगा। यदि रूट फाइव आर होगा तो यहाँ बच्चों रूट फाइव आएगा, ये रूट फाइव किसी साथ प्लस होगा, कोई एनी नंबर एक्स के साथ, यहाँ दोनों का सम आएगा, जो वो गलत है क्वेश्चन। मेरी अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हो सकता है वो देखो, मेरी अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन क्या होगा कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ टोटल नहीं होगा, टोटल ये टोटल नहीं होगा, ये सिर्फ सरफेस एरिया होगा। यदि ये सरफेस एरिया होगा क्या होगा, ध्यान दो, सरफेस एरिया होगा तो जहां तक मैं देखता हूं एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस, कौन का एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, इसका मतलब पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, आर का स्क्वायर, आर से आर भी कट गया, यहां बचा आर, यहाँ कितना बचा L, L निकालेंगे, ए आर है, ये टू आर है, कितना होगा रूट फाइव आर, अभी निकाला था मैंने रूट फाइव आर, रूट फाइव आर होगा, R से R कटेगा बच्चों, ये आएगा वन इज टू रूट फाइव, वन इज टू रूट फाइव इसका सही आंसर है, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, यदि इस टोटल अगर हट जाए तो देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर, मतलब कि मैं कह सकता हूँ दो स्टूडेंट हैज अटेम दिस क्वेश्चन विल गेट द ग्रेस मार्क, ऑब्वियसली बात है, और नहीं जिन्होंने एंटर नहीं किया तो उन्होंने भी हो सकता है मिलेगा नहीं मिलेगा, और डिसाइड करता है कि एग्जामिनर क्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन 89 क्या होगा, ए सिंगल लेटर इज ड्रॉन, हमने एक सिंगल लेटर निकाला, वो सिंगल लेटर किन में से, इसमें से, तो क्वेश्चन के तहत प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी किसका होने का, भावल होने का, भावल कितना उसके अंदर, एक दो तीन चार पांच, पांच भावल है, एक निकालेंगे बच्चों फाइव सी वन, डेट इज फाइव, रिपीट है, रिपीट नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी के अंदर बच्चों ध्यान रखना, रिपीटेशन नहीं लेना, क्यों नीचे भी लेना है रिपीटेशन उसके अंदर कट जाएगा वो। अब टोटल कितना है 10, 10 सी वन, जब 10 सी वन का कितना होगा 10, इसका मतलब 1 अपॉन 2, ये हमारा 1 अपॉन 2 आएगा, ये हमारा 1 अपॉन 2 आएगा। रिपीटेशन मैंने क्यों नहीं लिया, क्यों मैं यहां भी रिपीटेशन लूंगा, दोनों रिपीटेशन कट जाएगा। ओके नेक्स्ट वन 90 में देखो, 4 कॉइन आर टॉस वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द एग्जैक्टली टू हेड, अगर हमारे जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है एनी अपॉन एनएस, एनएस का क्या होगा, एनएस जो एनएस होगा बच्चों, एनएस क्या होगा, एनएस टोटल, जब हम दो कॉइन चार चार कॉइन फेंका तो इसका मतलब उसका फेस कितना होता है, दो, दो की पावर चार, डेट इज 16, 16 आ गया। अब एनी क्या होगा, दो हेड एग्जैक्टली दो हेड होने का क्या संभावना है, हेड उसके अंदर कितना होगा, चार कॉइन फेंकेंगे चार ही हेड आएगा, एक हेड दूसरा है, मतलब चार कॉइन में चार हेड आएगा, उन चार हेड में से दो हेड होने का मतलब बच्चों 4C2, मतलब एनी का मतलब 4C2, एनी 4C2, 4C2 का मतलब बच्चों होता है 6 अपॉन, चार क्या 12 का आधा 6, 16, इसका मतलब 3/8, 3/8 इसका 8 हमारा राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट वन 91 के अंदर क्वेश्चन देखो, उसने क्या दिया है कि पी ए तुम्हारा ए यूनियन बी डेक्स, फॉर्मूला जो होता है पी ए यूनियन बी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, पी का मतलब बच्चों यहाँ प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन वन होता है, इसने उसमें पॉइंट दिया है, तो हमारा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पी डेक्स दिया है, बी में डेक्स लगा दो, क्या दिक्कत है, बी में डेक्स लगा दो, बी में डेक्स लगा दिया, तो ए यूनियन बी कितना दिया है, ए यूनियन बी दे रखा तुम्हारा 0.8, पी ए कितना दिया है बच्चों 0.3, और पी वी बारे में नहीं पता हमें एक्स, हमें पी इंटरसेक्शन बी निकाला, पी इंटरसेक्शन बी, और हमें पता है पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, पी इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बच्चों, ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, दोनों का कॉमन पार्ट, लेकिन यहां ए और बी इंडिपेंडेंट है, टू वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट हियर, यदि टू वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल इज ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ध्यान रखना है यहां पी इंटरसेक्शन बी, तो बी के अंदर क्या है, डेक्स है, बी के अंदर डेक्स, हम डी लगा दिया जैसे क्वेश्चन ऐसे में, इसका मतलब पे इंटरसेक्शन बी का जो डेक्स है बच्चों ये आया, ए आया, तो पी का ए कितना दिया है, पी का ए कितना दिया है, पी का ए तुम्हारे सामने दे रखा 0.3, और इसके बारे में हमें एक्स ले रखा, इसका मतलब होगा 0.3x, ये कितना होगा 0.3x,
यदि 0.3x होगा तो देखो ये 0.3 जाएगा बच्चों उधर माइनस में, कितना होगा 0.5, ये जो तुम्हारा होगा कितना होगा बच्चों 0.5, क्या होगा 0.5 होगा, 0.5 कितना होगा 0.5। और देखो 0.3 उधर चला गया और 0.3x में से x में से प्लस x में से मतलब 1x में से 1 है, 0.3x जगह कितना बचेगा 0.7x, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो x इक्वल टू आ गया बच्चों, x इक्वल टू क्या आया 5/7। p डेक्स का आ गया 5/7, लेकिन उसने बोला p भी उसमें डेक्स नहीं है, डेक्स नहीं है, इसका मतलब यह है कि टोटल में से घटेगा, p बार जो होता है वो टोटल में से, p डेक्स क्या होता है टोटल में से, तो इसका मतलब p डेक्स जो आया है जो x का वैल्यू आया मतलब x का वैल्यू p का वैल्यू, इसका मतलब जो इसका वैल्यू आया बच्चों जो x का वैल्यू मतलब इस बार का वैल्यू कितना आया p b बार जो आया बच्चों तो कितना आया 5/7, जो बिना बार का होगा टोटल में से मतलब एक में से 5/7 घटेंगे तो इसका मतलब 2/7 हमारा आंसर आएगा, 2/7 हमने इसको ए ले लिया बच्चों, एक्स ले लिया मैंने, ओके 2/7 92। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3 इन रोलिंग ऑफ ए डाइस वंस, एक डाइस फेंका, एक डाइस में कितना हो सकता है, एक हो सकता है, दो, चार और पांच और छह, एक डाइस में छह नंबर हो सकते हैं बच्चों, जो एनएस होगा टोटल जो होगा छह नंबर होगा, उनमें से कह रहा कि मोर देन 3 क्या क्या हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है, मतलब तीन नंबर आएगा, इसका मतलब 1/2 हमारा चांसेस है, 1/2, ओके नेक्स्ट वन 93। व्हाट इज द सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर द डिफरेंस ऑफ द होल स्क्वायर इज 84, दो इवेंट संख्या का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा 84 है, मतलब उन दोनों का सम दे रखा है, एक्स और वाई का, एक्स वाई का सम दे रखा है स्क्वायर का, लेकिन उसने मतलब कि डिफरेंस दिया और डिफरेंस क्या हो सकता है, देखो यदि दो नंबर कौन सा है नहीं पता, लेकिन उन दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है बच्चों 88 है, मतलब दो नंबर यहां चेक कर लूंगा, दो कम करने से कितना आएगा 32 का मतलब 16 दो जोड़ देंगे, दो इसका होल स्क्वायर 318 का 324, इसका होल स्क्वायर 256, क्या इसका डिफरेंस 84 है, क्या इसका जो डिफरेंस 84 है, क्या 6 में से 4 का नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, 38 का 2 घटा लेते हैं, 2 घटाने से कितना बचेगा, 2 घटाने से 36 बचेगा, 36 का मतलब 18 और अगला जो 2 ज्यादा होगा 20 होगा, 20 का होल स्क्वायर 400, इसका होल स्क्वायर 324, क्या दोनों का डिफरेंस है, क्या 84 नहीं है। तीसरा नंबर 42 का 2 कम कर दिए, इसका मतलब बचा कितना 20 और 20, एक को 2 कम ज्यादा दे दिया, इसका मतलब इसका कितना होता है 22 का होल स्क्वायर 484 और 20 का होल स्क्वायर कितना है 200, इन दोनों का डिफरेंस 84 आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर है, और दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हमने क्या कहते हैं बाय ऑप्शन इसमें चेक कर लिया, ओके बाय ऑप्शन हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट वन 94। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जो मीन होता है ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर होगा तो दो नंबर का स्क्वायर रूट, दो स्क्वायर रूट, ये तीन नंबर होगा तो एक्स वाई जेड का हमें क्यूब निकालना है, तीन रूट, डिपेंड करता है कितना नंबर है, जितना नंबर होगा उसका रूट होगा, इसमें कितना नंबर दिया है दो नंबर दिया है, इसका मतलब 4 × 16 का स्क्वायर रूट, डेट इज 2 और 4 आएगा, डेट इज 8 ज्योमेट्रिक मीन, ओके नेक्स्ट वन 95 क्या होगा, द एवरेज ऑफ 30 नेचुरल नंबर इज 12, 30 नंबर का टोटल कितना है 30 × 12, डेट इज 360, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 का कितना है, टोटल 30 था तो 20 का कितना है, 20 का कितना दे दिया उसने 11, डेट इज 220, और किसने दे दिया उसने डेट ऑफ द नेक्स्ट 9 इज 10, 9 नंबर कितना है 10, कितना आ गया 90, इन दोनों को सम करने से कितना आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है तुम्हारा 310, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 29 नंबर का नंबर कितना था बच्चों, नंबर 30 था, 29 नंबर का जो सम है 310 है, बाकी जो लास्ट नंबर बच गया कितना बचे, टोटल 360 है, 360 में से 310 चला गया, कितना बचा 50, इसका मतलब जो लास्ट नंबर है बच्चों तुम्हारा क्या है 50 है, ओके नेक्स्ट वन 96 में देखो, एवरेज ऑफ टू नंबर इज ए और बी,
ए और बी का जो एवरेज है तो ए प्लस बी का सम कितना होगा, 20 × 2 = 40। फिर बी और सी का एवरेज दिया, बी और सी का एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है, 19। सम कितना होगा 38, दुगना दो संख्या है तो। सी प्लस ए का एवरेज कितना दिया, सी प्लस ए का एवरेज कितना दिया बच्चों, 21 का दुगना कितना होगा 42। इन सभी का जो सम होगा बच्चों, जिसमें दो बार ए, दो बार बी और दो बार सी आ रहा है, इन सभी का जो सम करूंगा बच्चों, सम कितना आएगा, सम आएगा तुम्हारा 42 से 80 और 120 आएगा। जब दो दो बार आते हैं तो 120 है, तो एक एक बार आएगी कितना होगा, उसका आधा होगा सम, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी जो आएगा बच्चों उसका आधा 60। उसने क्या पूछा, उसके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, देखो बी प्लस सी का मान कितना है 38 और तीनों का मान कितना है 60, इसका मतलब ए का मान कितना है तुम्हारा 22, ए का मान तुम्हारा 22। ओके नेक्स्ट वन 97, फाइंड द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेराइटी वैल्यू 3, 4, 6, 7, 8 और 14। इसका उसने डेविएशन पूछा, सम ऑफ डेविएशन, देखो बच्चों मीन डेविएशन और मीन डेविएशन और तुम्हारा जो डेविएशन होता है वो अलग चीज होता है, जो हम लोग निकालते हैं तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन उसके अंदर क्या होता है, मॉड्यूलस होता है, लेकिन यहाँ डेविएशन का मतलब सिर्फ डिफरेंस पूछा, किसका, मीन का और प्रत्येक डाटा का, प्रत्येक डाटा मीन कितना है, मीन निकालेंगे बच्चों 3, 4, 6, 7, 8 + 14, सब 14 और 8 22 27 29 35 35 और तुम्हारा 4 39 3 42, सम आ गया 42, नंबर कितना है, नंबर तुम्हारा है 3, 3, 6, इसका मतलब जो आएगा 7 आ गया, क्या आ गया, मीन आ गया, मीन तुम्हारा 7 आया। और हमें प्रत्येक डाटा का डेविएट का मतलब कितना दूर है, कितना उसका डिफरेंस है, डिफरेंस निकालना है, 7 का डाटा का डिफरेंस कितना है 3 - 4, 4 का कितना है, उस सब का सम पूछा है, सम का मतलब मैं प्लस लगा रहा हूं, 4 का कितना होगा -3, ठीक है, फिर कितना होगा 6 का, फिर -1, ये ब्रैकेट नहीं है बच्चों, प्लस माइनस सब कट जाएगा, 7 का तो 0 होगा, 8 का कितना होगा 1 और 14 कितना होगा 7 होगा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का सम है, प्लस और 7 कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा बच्चों और -1 + 1 कट जाएगा। इससे हमें एक चीज सीखने को मिलता है बच्चों, जो डेविएशन होता है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑलवेज 0, सम ऑफ डेविएशन ऑफ मीन ऑलवेज 0, ध्यान रखना हमेशा 0 आता है डेविएशन, मीन डेविएशन अलग है, लेकिन ये सिर्फ डेविएशन पूछा है, ओनली डेविएशन प्रत्येक डाटा का, मीन से प्रत्येक का डिफरेंस कितना है। ओके नेक्स्ट वन 98 में देखो, व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 × 7, मल्टीपल 7, 14, 21, 28 और तुम्हारा 35। तुम लोग देखो बच्चों, जो मीन होता है हमेशा मिडिल वाला टर्म को ही मिडिल कहते हैं हम लोग, एवरेज होता है, और कोई भी एपी का जो मिडिल टर्म होता है डेट इज कॉल्ड एवरेज, एवरेज इज कॉल्ड मीन, इसका मतलब इसका जो मीन है तुम्हारा 21 है। अगला 99, फाइंड आउट द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ पी, आ गया बच्चों सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज 0, ठीक है, बिफोर दिस क्वेश्चन आई हैव प्रूव द सम ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज 0, अभी बताया था, तो सम ऑफ डेविएशन हमेशा 0 होता है, अभी मैंने करा के दिखाया था। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इसका मीडियन पूछा है, मीडियन जो होता है मीडियन एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, एच यहां इंटू स्पेस नहीं है, एच यहां लिख देता हूं एच, ये हमारा मीन होता है, मीडियन होता है, तो मीडियन में देखो एल, सबसे पहले मीडियन के अंदर हमें एक सी एफ निकालना, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव का मतलब सी एफ निकालना पड़ेगा, सी एफ निकाल लेता हूं, इसका सी एफ क्या आएगा बच्चों, सी एफ जो आएगा पहले 8 आएगा, इन दोनों का सम 8 से 14 24 आएगा, 24 से कितना आ गया 60, ये तीन कितना आएगा 94, ये कितना आएगा 100, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सम आएगा वो भी 100 आएगा, सम ऑफ जो फ्रीक्वेंसी बच्चों वो भी कितना आएगा 100। एन का मतलब होता है जितना भी नंबर होता है एन बाय 2, मतलब फ्रीक्वेंसी जो आधा होता है इसे एन बाय 2 कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का आधा, एन बाय 2 मतलब 50, और हमें अगर 50 है तो जो मीडियन होता है, मिडिल टर्म होता है, कहां पड़ेगा बच्चों, इसके अंदर पड़ेगा, यदि इसके अंदर पड़ेगा तो ये जो रेंज है 20 और 30 इसके बीच में ही मीडियन है, इसके बीच में अगर मीडियन है बच्चों, ऑप्शन के अंदर क्या क्या है,
देखो 50 का भी नहीं हो सकता, 36 नहीं हो सकता, बचा ये दोनों। यदि तुम चाहो तो टाइम है तो निकालो बच्चों, नहीं तो बच्चों तुक्का मार सकते हो दोनों के क्वेश्चन के अंदर। और मीडियन के अंदर तुक्का मारोगे, मोड के अंदर मीडियन तुक्का मारोगे तो हमेशा पॉइंट पे मारना, सीधा मार सकते हो 20A। लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार फॉर्मूला में यूज कर देता हूँ। एल का मतलब बच्चों फास्ट नंबर, लोअर रेंज 20, पुटअप कर देता हूँ। एन बाय टू का मतलब बच्चों 50, एन बाय टू। जो सी एफ होता बच्चों प्रीवियस नंबर, प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, कितना है -24, ठीक है। और नीचे क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना हमारा, फ्रीक्वेंसी हमारा 36 है, फ्रीक्वेंसी हमारा 36 फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इनटू एच, एच कितना है बच्चों, एच हमारा जो डिफरेंस है दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, एच कितना हमारा 10 है, एच हमारा 10 है। यदि एच 10 होगा बच्चों, एच अगर 10 होगा तो ध्यान दो, एच अगर 10 होगा तो 10 में यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, इसी स्पेस नहीं था, तो अब तुम्हारे सामने आ गया 20+, 20+ होगा और दोनों का डिफरेंस कितना है 26, 26 इंटू 10 20, दो 60 मत 36, काट लो बच्चों सीधा तुम्हारा आएगा और ऐसी पॉइंट पे आएगा, पूरे पूरे नहीं कटेगा, तो ये तुम्हारा कितना आंसर आ गया, ये आएगा काटने से 7.22 आएगा। तो देखो बच्चों हमने हार्डली इस क्वेश्चन को, मैंने अभी तो टाइम तो देखा नहीं, मतलब एक घंटे में खत्म हो गया, तो यदि इस क्वेश्चन को अगर हम प्रैक्टिस करते तो हमारा प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन देख के तुम लोग आंसर लगा देते, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी होगा, जो जो आवाज तुमने फेस किए होंगे और तुमने अपने आप को कोसे होंगे, काश थोड़ा और पड़ता तो ये सारे क्वेश्चन कर लेता, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमारे एएसओ के पेपर की था, टोटल क्वेश्चन हमने जो एएसओ का टेस्ट दिया था उसमें 100% क्वेश्चन उठ कर आया है। ऐसा एक भी क्वेश्चन आप लोग दिखा दो जो हमारे एएसओ के पेपर में से नहीं था, ओनली तुम्हारा प्रैक्टिस कमी था, ओनली लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो देखते हैं आपने सभी ने, हम लोगों ने पूरे अपना पूरे कोशिश किए होंगे, 100% दिए होंगे, उनमें से किसका नंबर आता है किसका नंबर नहीं आता है वो पता चलेगा, जिनका नंबर नहीं आता है वो बिल्कुल हताश मत होना, ये तुम्हें कहना कि सीख मिला है, अगला जो अटेम्प्ट होगा उसमें तुम अच्छा करना। ओके, ऑल द बेस्ट।